सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 491वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड का द्वितीय अध्याय, उसका चतुर्थ पाद, पृष्ठ संख्या 108, अधिकरण संख्या 13। इस अधिकरण में एक वाक्य पे चर्चा है, प्राचीन प्रवणे यजेत। प्राचीन प्रवणे यजेता, तो वैश्वदेव पर्व में प्राचीन प्रवणे यजेता ये वचन मिलता है, तो ये विहार के बारे में कहा जा रहा है, स्थान के बारे में कहा जा रहा है, अथवा व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि प्राचीन प्रवण वो यजन करे। प्राचीन का मतलब यहाँ पर पूर्व दिशा की तरफ। यानी प्रवण मतलब निम्न, पूर्व दिशा की तरफ थोड़े नीचे हो, ऐसी वेदी बनी हुई हो वहां पर यजन करना चाहिए। तो ये देश के बारे में कहा जा रहा है अथवा व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, ये यहाँ पर चर्चा का विषय है। तो सिद्धांति का मत है, वैश्वदेव पर्वणि प्राचीन प्रवण यजेता इति विहार देशोपदेश। विहार का जो देश है उसका, यानी जो गतिविधि जहां पर होती है उस क्षेत्र का उपदेश, उसके बारे में कथन किया गया है। तो 24वां सूत्र है, प्राचीन प्रवणे यजेता इति अधिकरण निर्देशः। अधिकरण का कथन है यहां पर, अधिकरण का मतलब हो गया विहार, विहार देश वो अधिकरण कहलाएगा। भाष्य, प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यजेता। वैश्वदेव पर्व में प्राचीन पूर्व की तरफ, चतुर्मास्य में वैश्वदेव पर्व होता है उसका ये प्रसंग है। तो इति किम अयम अग्नि विकार उत विहार विकारादेशोपदेश इति संशय किम प्राप्तम। व्यक्ति का ये नहीं है, ये अग्नि का विकार है अथवा विहार विकार विकार देशोपदेश, विहार देश का विकार है अथवा ये अग्नि का विकार है, ये बात है कि जो वेदी है उप चयन किया हुआ है वो प्राचीन प्रवण होनी चाहिए अथवा जो नीचे की भूमि है वो प्राचीन प्रवण होनी चाहिए, ये किसका विकार कहा जा रहा है ये यहाँ पर संदेह है। तो पूर्व पक्षी कहता है अग्नि विकार इति, मतलब अग्नि देश विकार, अग्नि का विकार है। प्राचीन प्रवणे यजेत इति अधिकरण निर्देश स्यात् अंतरंगत्वात् अल्पविराम। तो प्राचीन प्रवण करने में यजेत, इसमें अधिकरण निर्देश, अधिकरण यानी अग्नि का निर्देश समझना चाहिए अंतरंग होने से, क्योंकि अग्नि, इसको अग्नि कहा भी इसीलिए जाता है, तो याग होता है अग्नि में, याग होता है अग्नि में और अग्नि है वेदी में, तो याग का संबंध अग्नि से, अग्नि है वहां पर उसमें चिति में और चिति कहां पर है उस जमीन पे, तो इसमें अंतर है। तो जो जितना निकट है वो अंतरंग है, अंतरंगत्वात्। जैसे कि पदे जुहोति इत्येवम् अग्नि विकारः एवं अत्रापि प्राप्ते भूम। जैसे पदे जुहोति वाक्य आता है तो वहां पर वो अग्नि का विकार है, चिति में ना होकर के वो पद में आहुति देता है, तो उसी का विकार है ये अग्नि का, ऐसे यहाँ पर भी समझना चाहिए अधिकरण के कारण से। इस पर सिद्धांति कहता है प्राचीन प्रवण इति विहार देशोपदीक्षा, विहार देश को उपदेश करने की इच्छा से ये कथन किया गया है। अल्प विराम, न देशो अग्नि विकार, ये जो देश है, देश का मतलब प्राचीन प्रवण विहार देश, ये जो देश है, ये देशो न अग्नि, ये जो देश है ये अग्नि का विकार नहीं है, चिति का विकार नहीं है। कथम इति, तो कहा देशोपदेश स्वरूपत्वात् वचसः। ये जो वचन है ये देश के उपदेश के स्वरूप वाला है, ये जगह को बता रहा है ना कि चिति को, अग्नि को। प्राचीन प्रवण
इति देशो विधीयते अल्प विराम न होमाधिकरणम। प्राचीन प्रवण का मतलब यहां पर उस स्थान का, देश का कथन किया जा रहा है, न कि होम का जो अधिकरण चिति है, अग्नि है, उसका कथन है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं यथा पर्वतांते यजेत इति, तो पर्वतांत में यजन करे, तो पर्वतांत ये देश का कथन है वहां पर। एवं अत्रापि किंतु कार्य सामान्यस्य आह्वनीय विकारम मन्यन्ते केचित्तु केचित्तु। ये कुछ तीसरा मत बताया जा रहा है, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, कार्य सामान्य के यानी प्रत्येक कार्य के आवनीय के विकार को, अग्नि जो है आवनीय, उसके विकार को यहां पर मानते हैं कुछ लोग। तदयुक्तम, वो ठीक नहीं है। आवनी आदि कार्य से शास्त्रिक समधिगम्यत्वात्, क्योंकि अग्नि आदि से संबंधित जो कार्य है वो शास्त्र के द्वारा ही, शास्त्रिक समधि एक शास्त्र से ही समधिगम्य है, शास्त्र मात्र शास्त्र से ही उसको जाना जाता है। तदुक्तम न देवताग्नि शब्द क्रियम अन्यार्थ संयोगात इति। ये पीछे छठे अध्याय का सूत्र आया है, तो वहां पर कहते हैं कि देवता अग्नि शब्द और क्रिया इनमें अन्यार्थ संयोग होने से इनका प्रतिनिधि नहीं होता है, इनका विकार नहीं होता है। ये होते हैं तो भिन्न ही होते हैं। देवता अगर भिन्न है तो देवता का विकार के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में कुछ नहीं होता है। वो नहीं है तो अब दूसरा ही देवता आएगा। किसी कर्म का विकार नहीं होता है प्रकारांतर, इसकी जगह ये कर लो, नहीं, वो नहीं है तो दूसरा ही कर्म वो आएगा। तो देवता अग्नि शब्द और क्रिया इनका अर्थ के साथ संयोग होने से इनका प्रतिनिधि नहीं होता, विकार नहीं होता है। तो यहां पर भी इसका नहीं हो। लिंगाच, और इसमें लिंग भी है, सिद्धांति कहता है यदि तम अग्नि विकार है सात आवनियो न दृश्येता। अगर ये अग्नि का विकार होता अभ्युपगम से तो ये यहां पर आवनीय शब्द दृष्ट नहीं होता, क्योंकि यही अग्नि का विकार हो गया, यानी आवनीय का विकार हो गया, तो फिर आवनीय शब्द नहीं होना चाहिए था। दृश्य तो दूर लेकिन दिखाई देता है। यजमानोवा एक कपाल अल्प विराम स्वर्गो लोक आवनीय अल्प विराम। यजमान है ये एक कपाल है और आवनीय है ये स्वर्गलोक है। यद एक कपालम अवनीय जो होती यजमानम एव स्वर्गम लोकम गमयति। जो एक कपाल को अवनीय में होम करता है तो वो यजमान को स्वर्गलोक में ले जाता है। यजमान तो एक कपाल हुआ और अवनीय स्वर्गलोक हुआ, तो एक कपाल को जब अवनीय में देते हैं, होम करते हैं, तो क्या हो गया, एक कपाल यजमान है और अग्नि अवनीय स्वर्ग है, तो यजमान को यानी एक कपाल को यजमान को आवनीय यानी स्वर्गलोक में ले जा रहा है। तो यहां जो आवनीय का कथन हुआ इसी प्रसंग में, इससे पता लगता है कि आवनीय हटी तो नहीं है, इसलिए उसका तो ये विकार नहीं है, तो देश का विकार है। अब जब यहां ये सिद्ध हुआ कि ये बिहार देश का उपदेश है, तो इसी तरह के दूसरे वाक्य भी मिलते हैं, वहां भी संदेह है, इसलिए अगला अधिकरण है उसमें पदे जुहोति, जो पीछे एक उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने, ऐसे पदे जुहोति वर्तमानी जुहोति इति आवनीयापवाद। ये जो है ये आवनीय के अपवाद है, यानी आवनीय को हटा करके उसकी जगह पे आएंगे, आवनीय नहीं रहेगा वहां पर पद में या वर्तमान में। तो सूत्र है पदे जुहोति वर्तमानी जुहोति वल्मीक वपायाम जुहोति, बांबी उसकी, बांबी जो होती है दीमक जो होती है उसकी वपा में यानी उसके गृह में जुहोति इति एतेन व्याख्यातम। बोले इसी की व्याख्या, इस इनकी व्याख्या भी पिछले अधिकरण की तरह से कर लेनी चाहिए, अर्थात ये आवनीय के विकार नहीं है, ये देश के विकार है, ऐसा समझ करके। तो पदादिरग्निदेश उत अग्नि विकार है इति। ये जो पद या वर्तम या वल्मीक वपा इत्यादि जो शब्द हैं ये अग्नि के देश हैं या अग्नि के विकार हैं। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है पूर्वेन न्यायेन देश विकार इति प्राप्ते ब्रूमः। पिछले अधिकरण के अनुसार यहाँ पर देश का विकार होना चाहिए, ये भी सब जगह ऐसा ही लगना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है 27वें सूत्र में अग्नि विकारावा अल्प विराम जुहोति संयोगेन चोत्यमाने अर्धशब्देन विधीयन्ते यथा। यथा के बाद में जो है इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, उत्तरार्धे ग्नये जुहोति, बंद कर लीजिए, उत्तरार्धे ग्नये जुहोति। दूसरा है दक्षिणार्धे सोमाय इति, इसको भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए, दक्षिणार्धे सोमाय यहां तक। इति देश शब्देन विधीयन्ते, बोले यहां पर जो कथन है उत्तरार्ध में अग्नि के लिए होम करता है, दक्षिणार्ध में सोम के लिए होम करता है,
यहां पर देश शब्द से विधान किया जा रहा है, तो ये देश का कथन है। तो सूत्र में प्रारंभ में क्या था, अग्नि विकार आवा, ये अग्नि के विकार हो में, यहां अग्नि के विकार हो में, पिछले में तो देश का विकार था, यहां अग्नि का विकार है चिथि का। क्यों, ज्योति संयोग है ना चोत्यमान है, क्योंकि यहां ज्योति के साथ में कथन किया गया है। ऊपर वाला था वो ज्योति के नहीं था, प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवे न यजेत, प्राचीन प्रवणे, यहां पर ज्योति शब्द है इसलिए। तो ज्योति संयोगे ने चोद्यमाने अर्ध शब्दे ने विधीयन्ते, और उसके आधे भाग में यानी उत्तरार्ध दक्षिणार्ध ऐसे अर्ध शब्द से यहां पर विधान किया जाता है, तो देश का ही हो सकता है, नहीं अग्नि का ही हो सकता है, अग्नि का विकार है ये, देश का नहीं है। भाष्य, वा शब्दात पक्षो विपरिवर्तते, पूर्व पक्षी को विपरीत बोल रहा है, न पदादि भिर देशो विक्रियते, यहां पदादि जो शब्द है उससे देश यानी अग्नि का देश विकार को प्राप्त नहीं हो रहा है, किंतु अग्नि विशेष विधानात, अग्नि मतलब अग्नि विशेष, अग्नि विशेष मतलब आवनीय से भिन्न अग्नि का विधान होने से, आवनीय का अपवाद बनेगा, तो किंतु अग्नि विशेष विधानात अल्प विराम आवनियादि विधेय सावकाशत्वात, पूर्ण विराम, और अग्नि आदि आवनी आदि जो अग्नि, अग्नि की जो विधियां है वो सावकाश है, यानी दूसरी जगह उनको अवसर प्राप्त है ही, इसलिए कोई बाधा भी नहीं है। अन्यत्र ज्योति योगात, सूत्र में जो कहा था इन्होंने ज्योति संयोग है ना, तो क्या ज्योति संयोगात प्रयोग शब्द संयोगात अर्ध शब्दे ने विधीयन्ते इति, जो ज्योति संयोग मतलब ज्योति के संयोग से, ज्योति के योग से प्रयोग शब्द के संयोग से अर्ध शब्द ने विधीयन्ते, ये जो अग्नि के विकार है ये अर्ध शब्द से विकार को कहते हैं। इसमें एक जो प्रसंग चलता है अपने, दो आघार आहुतियां और दो आज्यपाग आहुतियां, इसमें अग्नये स्वाहा और सोमाये स्वाहा ऐसा करते हैं, और प्रजापतये स्वाहा और इंद्राये स्वाहा बीच में करते हैं। इसके ऊपर युधिष्ठिर जी ने टिप्पणी की हुई है कि ये गलती से लिखा हुआ है, स्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय में इसका उन्होंने उल्लेख भी किया है कि ये भूल से हो गया है, यानी मंत्र आगे पीछे हो गए। उनका कहना है कि जहां कहीं भी होता है तो प्रजापतये स्वाहा और इंद्राये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा और इंद्राये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा से उत्तर में जाना चाहिए, इंद्राय स्वाहा से दक्षिण में जाना चाहिए, और अग्नेय स्वाहा और सोमाय स्वाहा से बीच में जाना चाहिए, ये उन्होंने वहां पर उल्लेख किया हुआ है। इसको उस संदर्भ में भी थोड़ा सा देखिए कि वहां महर्षि दयानंद ने या जैसा भी जहां से भी लिया गया है उन्होंने कैसे सोच करके लिखा होगा, या तो उनका तो कहना है युधिष्ठिर जी की भूल से हो गया है, पर यहां देखो एक संकेत हमारे को क्या मिलता है, उत्तरार्ध है अग्नेय जो होती, उत्तरार्ध में जो पूरा कुंड है अग्नि है इसका उत्तर दिशा का जो अर्ध भाग है, तो उत्तरार्ध है अग्नेय जो होती, उत्तरार्ध में अग्नि देवता का वहां पर संयोग किया गया, और दक्षिणार्ध है सोमाय स्वाहा, दक्षिणार्ध में सोम का, यानी ये भी कोई परंपरा तो रही है, उन्होंने जहां से लिखा है युधिष्ठिर जी ने वो ठीक है, वो भी परंपरा रही होगी उस तरह से, वो भी कथन है, लेकिन ये भी एक दृष्टि हमारे को संकेत तो मिलता है कि ऐसा भी होता है, हो सकता है किसी कहीं से और से महर्षि ने किसी के अनुसार से लिया हो, उसको हम ठीक भी इस दृष्टि से देख सकते हैं, थोड़ा संगति की बात है, विचारणीय विषय है वैसे तो। आगे तो पृष्ठ 109 पर ऊपर से देखते हैं, यजते है अधिकारार्थ मापके न, अधिकारार्थ प्रापके न, यजति जो है वो अधिकार्थ का प्रापक, अधिक अर्थ का प्रापक होता है, यजते है अधिक अर्थ प्रापके न, ज्योति शब्देन विधीयमानस्य अधिकरण विकारत्वम एक्षिष्ट। देखो यजति भी होता है और ज्योति भी होता है, याग और होम में क्या है, होम में द्रव्य की प्रधानता रहती है, द्रव्य की अधिकता रहती है, प्रक्षेप प्रधानो होम है, प्रक्षेप की प्रधानता रहती है, यजति में प्रक्षेप अल्प रहता है, स्तुति की प्रार्थना वो स्तुति की अधिकता रहती है वहां पर। तो कहते हैं यजते यजति के अधिकार्थ प्रापकेण ज्योति शब्देन, अधिक अर्थ को प्रापण करने वाले ज्योति शब्द से विधीयमान होने से, था तो याग लेकिन ज्योति से उसका विधान किया जा रहा है,
ज्योति शब्द होने से यहां पर द्रव्य की प्रधानता अधिक होगी, द्रव्य की प्रधानता होगी। तो हम जितने सोमयाग देखते हैं वहां इतना लंबा लंबा कई दिनों तक चलता है, डालते तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही है। और इधर जो हम अग्निहोत्र करते हैं ये होम कहलाता है, ये थोड़ी देर में भी हम बहुत सारी चीजें डाल देते हैं उसमें, प्रदान कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यजति तो है तो याग ही, लेकिन अधिक अर्थ प्रापकेण ज्योति शब्देन विधीयमानस्य अधिकरण विकारत्वम ऐक्षिष्ट, इसमें अधिकरण के विकारत्व को वहां पर ये चाह रहे थे, देख रहे हैं। यथा इसे वही वचन दिया इन्होंने, विपरीत अल्पिरा में लीजिए, उत्तरार्धे ज्योति दक्षिणार्धे ज्योति इत्यादि, ये जो वचन है इनमें, तद्वत अत्रापि ज्योति शब्देन आसेचनम गम्यते, ज्योति शब्द चुकी है इसे आसेचन यहां पर गम्यमान है, मतलब अधिक सेचन होगा। तस्य च अधिकरणत्वम अग्नेः, और उसका जो अधिकरण है वो अग्नि का है, अग्नि का उसका अधिकरण, यानी अग्नि उसका अधिकरण है। पदादयोपि तत्र श्रूयन्ते, वहां पर पदादि शब्द भी पढ़े जाते हैं अधिकरण के रूप में, जैसे पदे ज्योति, ये जो पदे ज्योति वर्तमानी ज्योति आदि जो ये शब्द है, ये पदादि शब्द भी तत्र मतलब अधिकरणत्वेन, अधिकरण के रूप में, तत्र अधिकरण के रूप में सुने जाते हैं। तस्माद् अग्नि विकार है, ये अग्नि का ही विकार है। कार्यापत्तेश्च अग्नि धर्मत्वात् पदादीनाम इति, तो कार्य कार्यापत्तेश्च कार्य की आपत्ति होने से, कार्यापत्ति होने से यानी कार्य की संपूर्णता की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से अग्नि धर्मत्वात् अग्नि का धर्म होने के कारण से पदादीनाम पदादि का इति, पदादीनाम इसमें अग्नि विकारत्वम ये अध्याहार कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं ऐसा, कार्य की आपत्ति के कारण से अग्नि धर्म वाला होने से, पदादियों के अग्नि का धर्म वाला होने से उनमें अग्नि का विकारत्व है, पदादि जो है उनका अग्नि धर्म वाला होने से उनका पदादि का अग्नि विकारत्व है, क्योंकि जो धर्म अग्नि में होते हैं वो धर्म पदादि में भी है, क्योंकि वो जो होती वहां होम करता है, तो जहां हो आहुति दी जाती है तो अन्य धर्म जो धर्म अग्नि में है वो धर्म पदादि में भी है, इसलिए पदादि का अग्नि का विकारत्व है, ये अग्नि के विकार माने जाएंगे। चतुष्पथे ज्योति इति विधाय, और पुष्टि कर रहे हैं चतुष्पथे ज्योति, चतुष्पथ ये भी सप्तमी है, चतुष्पथ में आहुति करता है, इति विधाय ऐसा विधान करके, फिर आगे देखिए जो आगे है उसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, एष वा अग्नि नाम पडवीशो नाम अल्पविराम अग्निवत्तेव ज्योति, बंद कर लीजिए यहां पर। तो एषा, एषा मतलब ये चतुष्पथ, चतुष्पथ हो गया, उल्मुख हो गया, जो कि यहां पर है ना वल्मीक वपायाम हो गया, उल्मुख हो गया, वर्तमानी ज्योति, ये जो ऐसे शब्द हैं इनके लिए, तो चतुष्पथे ज्योति यहां इस प्रसंग में तो चतुष्पथ को ही लेंगे मुख्य रूप से, तो चतुष्पथे ज्योति इति विधाय ऐसा विधान करके फिर ये वचन मिल रहा है, क्या एशवा अग्नि नाम पटबीशो नाम, ये जो चतुष्पथ है ये अग्नियों का पटबीश है, पटबीश मतलब पदबंधन रज्जु यानी प्रतिनिधि है उसका, गाय का जो पाद बंधन होता है उसको पटबीश बोलते हैं रज्जु, लेकिन यहां ये पटबीश शब्द जो है प्रतिनिधि के रूप में है, ये अग्नि का पटबीश है, पटबीश नाम है, क्यों इस पटबीश नाम है, इसलिए अग्निवत्येव ज्योति, अग्निवती एव ज्योति, ये अग्नि में ही होम कर रहा है, अग्निवती मतलब अग्नि वाले देश में ही ये होम कर रहा है। इति चतुष्पथस्य अन्येन प्रकारेण अग्निमत्ता ब्रुवन, तो चतुष्पथ की भिन्न प्रकार से अग्निमत्ता को कहते हुए, जबकि चतुष्पथ में अग्नि है नहीं लेकिन उसकी अग्निमत्ता कही जा रही है, इसका मतलब है ये अग्नि का विकार है, क्योंकि प्रश्न ये आएगा कि यहां अग्नि तो है ही नहीं फिर आहुति कैसे दे रहे हो, तो भले ये अग्नि का विकार है और इसमें अग्नि है, ये अग्नि वाला है, अग्नि न होते हुए भी उसको जब कथन किया जा रहा है ये अग्नि वाला है, इसका मतलब है अग्नि हटा करके ये आया था, बिना अग्नि वाला था तभी ये प्रशंसा की जा रही है इसकी। तो अग्निवत्तेव ज्योति इति चतुष्पथस्य अन्येन प्रकारेण अग्निमत्तां ब्रुवन् पदादीनाम अग्नि विकारत्वं द्योतयति, पदादि जो है ये पदे ज्योति वर्तमानी ज्योति आदि ये पदादि ये अग्नि के विकार हैं। आगे पूर्वेण अस्य लिंगम पुनरुक्तम मन्यमानः अस्य सूत्रस्य अपरम पाठम आहुः।
पूर्वे ना, पूर्वे ना मतलब पूर्व जो अधिकरण है, तेरे वहां जो अधिकरण है, अस्य लिंगम, लिंगम मतलब यहां पर शब्दार्थम, शब्दार्थ को पूर्व से इसके शब्दार्थ को पुनरुक्तम मान्य माना, पुनरुक्त मानते हुए अस्य सूत्र से अपरम पाठम आहु। अस्य सूत्र मतलब ये जो 26वां सूत्र है इसका दूसरा पाठ कह रहे हैं, यानी ये 28वां सूत्र उसकी जगह पे इसको ले रहे हैं। एक नया अधिकरण भी है ये, लेकिन भिन्न ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका शीर्षक है त्र्यंबकेशु चतुष्पथ एकोल मुकयो समुच्चय। चतुष्पथ और एकोल मुख का समुच्चय होगा त्र्यंबक में, तो भाष्य में स्पष्ट होगा। पूर्व पक्षी कहता है चतुष्पते ज्योति तेन व्याख्यातम, कि चतुष्पते ज्योति वो भी इसी से, यानी पहले वाला जो अधिकरण था उसी से इसकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। जैसे इसने पदे ज्योति के लिए कहा उसकी जगह पर यहां पर अब उदाहरण ले लिया चतुष्पते ज्योति, वहां वर्तमानी ज्योति था, यहां पर चतुष्पते ज्योति है। अस्मिन् न्याये अधिकरणातिदेशार्थम सूत्रम, इस न्याय में जो पीछे कहा गया इसमें अधिकरण का अतिदेश कहा गया है, ऐसा का वैसा यहां पर है। अधिकरणातिदेशार्थम सूत्रम पूर्वद अत्रापि पक्षोपन्यास विकारश्चेति, ये उसका विकार है, ये वैसा का वैसा समझना चाहिए। पिछले अधिकरण वाले को ही ले रहे हैं विकार वाला। चतुष्पथ एकोल मुकम उपनिधाय ज्योति, चतुष्पथे एकोल मुकम उपनिधाय ज्योति, ये एक वचन मिला कि चतुष्पथ में एकोल मुख को रख करके और फिर होम करता है। इति एकेशाम विकल्प, कुछ का विकल्प है। कैसे? विप्रतिषेधात्। क्या है विकल्प? केवल चतुष्पते होतव्यम एकोल मुखे वा, या तो चतुष्पथ में करो अथवा एकोल मुख में करो, ये विकल्प है। उत उल्मुक उपनिधाय एवेति, अथवा उल्मुक को पास में रख करके करो। तो उल्मुक को पास में रख के चतुष्पथ में कर रहे हैं, यहां तो ये दोनों हो गए, समुच्चय हो गया, उल्मुक भी है और चतुष्पथ भी है। और दूसरा है केवल चतुष्पथ में होम करना चाहिए अथवा एकोल मुख में होम करना चाहिए, ये अधिकरण की दृष्टि से विकल्प उसमें हुआ। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है विकल्प आई थी, कुतः विप्रतिषेधा श्रुत्यो एकार्थतया एव, श्रुति के एक प्रयोजन वाली होने से इसमें विकल्प होता है। यदि भिन्न भिन्न प्रयोजन होते हैं तो विकल्प नहीं होता, तो समुच्चय होता है। एक ही प्रयोजन के लिए दो बातें कही गई हों तो फिर वहां विकल्प होगा, या तो ये होगा या वो होगा। तो विप्रतिषेधा श्रुत्यो एकार्थतया एव, एकार्थता से, एकार्थता के द्वारा इनमें विप्रतिषेध हो रहा है इसलिए विकल्प होगा। उल्मुकोपि अग्नि षड्विशोपि अग्निरेव, तो उल्मुख भी अग्नि है यहां की दृष्टि से, और पटविष, पटविष मतलब ये चतुष्पथ जो ऊपर कहा गया था वो भी अग्नि ही है। अतः तुल्यार्थत्वात् विकल्प एवेति प्राप्ते ब्रूमा, तुल्य प्रयोजन होने से यहां पर विकल्प होगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इस पर सिद्धांति कहता है प्रशंसा वा अग्निवत्येव जुहोती थी, बोलिए जो अग्निवती एव जुहोती, ऊपर जो पूर्व पक्षी ने कहा था, बोले इसमें तो केवल प्रशंसा है इसकी, प्रशंसा वा अग्निवत्येव जुहोती, अग्निवत्येव जुहोती, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। ये पीछे 27वें सूत्र के अंत में भाष्य में उन्होंने कहा था ना अग्निवत्येव जुहोती थी, पीछे जो वचन था इति निधाय एशेवा अग्निनाम पटवीशो नाम अग्निवत्तेव ज्योति थी, उस वचन को ये कह रहा है, वहां का समाधान कर रहा है कि प्रशंसा वा अग्निवत्तेव ज्योति थी अल्प विराम, यथा ब्राह्मणवान ग्राम इति, ब्राह्मणवान गांव है तो ये गांव की प्रशंसा की जा रही है। कैसे? सत्सु अपि अन्येषु ब्राह्मणवत्सु ग्रामेषु यो अनेक ब्राह्मणवान सो अभिधीयते ब्राह्मणवान इति, तो यद्यपि बहुत सा अन्य गांवों में भी ब्राह्मण तो रहते ही है, कम है, लेकिन इस गांव में ज्यादा ब्राह्मण है, अधिक ब्राह्मण है, इसलिए इसको ब्राह्मणवान कहा जाता है। एवं अत्रापि प्रशंसार्थत्वम इति, ये भी प्रशंसा मात्र है। आगे 15वां अधिकरण है, इसमें एक वचन आएगा अवभृतेन प्रत्यंचरन्ति, नीचे इसमें सूत्र में भी दिया हुआ है प्रत्यंचो अवभृतेन चरन्ति इति अल्प विराम, ये एक वचन हो गया। फिर है प्रांग मुखा कर्माणी कुर्यु हो, ये दूसरा वचन हो गया, तद व्याख्यातम, इसकी व्याख्यान करती व्याख्या कर दी गई है। तो प्रत्यंच का मतलब होता है पश्चिम,
तो अपभृते ने प्रत्यन चरंति, ये कोई और वचन होगा इसी जैसा है, इति कर्तृगर्भ विहार विधानम। यहां पर कर्तृगर्भ विहार का विधान है, विहार का विधान है ये सिद्धांति मानता है, लेकिन ऐसा विहार का विधान है जिसमें कर्ता का भी विधान कर दिया, कर्ता के लिए भी कथन कर दिया गया, कर्तृगर्भ विहार विधानम। जैसे द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, द्वंद्व भी उसके अंदर छिपा हुआ है और बहुव्रीहि तो बाहर है ही, ऐसे विहार का विधान है, और विहार में चूंकि कर्ता भी है वहां पर, इसलिए उसके लिए भी ये लागू हो जाएगा, दोनों पे लागू हो जाएगा, ये कहना चाहता है। सूत्र देखिए, प्रत्यंचो अवभृते न चरंती थी, प्रत्यंच मतलब पश्चिम दिशा की तरफ, अवभृत से अवृत स्नान के लिए जाते हैं, अवृत दृष्टि के लिए, तो वहां पर पश्चिम की तरफ जाते हैं। और सामान्यतः नियम क्या है, प्रांगमुखः कर्माणि कुर्युः, यजमान जो है वो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके कर्म करे, पीछे आ चुका है ये अधिकरण, तद व्याख्यातम ये पहले आ चुका है। इति विहारस्य प्रत्यंग मुक्ता उच्यते उत कर्तृणामिति। तो ये जो प्रत्यंचो अवभृतेन चरन्ति, इस वाक्य में विहार की प्रत्यंग मुक्ता, पश्चिम मुक्ता कही गई है, विहार पश्चिम की तरफ मुख वाला हो अथवा मनुष्य की, कर्ता की कही गई है, ये विचारणीय है, क्या प्रतीत होता है, प्रत्यंचो अवभृतेन चरन्ति इति, अवभृतेन चरन्ति, चरन्ति के जो मनुष्य ही है कर्तृ, और उसमें प्रत्यंचो इसको कहां लगाएंगे, पुरुष के ऊपर लगेगा ये, तो ये पुरुष के लिए है या विहार के लिए है, ये यहां पर प्रश्न खड़ा है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यंचो अवभृतेन चरन्ति इति, ये पूर्ण विराम हटा लीजिए, प्रत्यंचो अवभृतेन चरन्ति इति विपरीत अल्प विराम में, इति प्रत्यंग मुखम विहारम कृत्वा पश्चात विहारस्य प्रांग मुखाः संतः प्रचरये प्रचरेयुः। वो कहता है कि प्रत्यंग मुख विहार कर लो, पहले तो पश्चिम की तरफ मुख वाला विहार बना लो, वेदी बना लो, और फिर विहार के प्रांग मुख होकर के, विहार में प्रांग मुख होकर के, विहार का जो पूर्व दिशा का भाग है उस तरफ होकर के प्रचरेयु, यानी कर्ता लोग ऐसे हों, विहार तो पश्चिम मुख हो लेकिन कर्ता पूर्वाभिमुख होकर के वहां पर कर्मों को करे, ऐसा इसका मतलब है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तद व्याख्यातम, ये पीछे पृष्ठ 65 के ऊपर ये आ चुका है, तद व्याख्यातम प्रांग मुखानि कर्माणि कर्तव्यानि इति, सभी कर्म पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके करने चाहिए, ये यागों में सामान्य रूप से ये नियम बना दिया है, तो ये व्याख्या कर दी गई है ये पृष्ठ 65 पे। पीछे आगे कहते हैं अथवा तद व्याख्यातम, दूसरे ढंग से कहते हैं इसको, दूसरे ढंग से कह रहा है, तद व्याख्यातम की व्याख्या भिन्न ढंग से कर रहा है अब ये भाष्यकार, तद अथवा तद व्याख्यातम इसका मतलब है कर्तृणाम प्रत्यंग मुखत्वे विधेय, कर्ता के प्रत्यंग मुखता के विधेय होने पर भी, विहार परिवृत्ति ही प्रत्यंग मुखता च विधीये आताम, तो विहार की को की परिवृत्ति, विहार को बदल करके, विहार भी पूर्वाभिमुख होता है लेकिन इसको भी बदल करके पश्चिमाभिमुख करके, और प्रत्यंग मुखता च, और पुरुष की प्रत्यंग मुखता यानी पूर्व दिशा, ये दोनों साथ साथ यहां पर विहित की जा रही है, दोनों को यहां पर कहा जा रहा है, ऐसा करें तो तत्र वाक्य भेद हो, वाक्य भेदा भवती थी, वहां तो इसमें तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो दो चीजों का विधान करना होगा। आगे 32वां सूत्र है ये, तद व्याख्यातम, संख्या डाल लीजिए 32, तद व्याख्यातम प्रत्यंग मुखात विहार संयोगात प्रत्यंग मुखा वा कर्तारो भवेयुः, अल्प विराम, प्रत्यंग मुख विहार का संयोग होने से, यानी पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ पीछे भी जो था ना, प्रत्यंग मुखता च सह विधीयताम, यानी विहार भी पश्चिमाभिमुख हो और कर्ता भी पश्चिमाभिमुख हो, ये दोनों का विधान किया जाएगा, तो बोले इसमें तो दो दो विधान हो जाएंगे। ये कहते हैं प्रत्यंग मुखता विहार संयोगात, विहार का संयोग कैसे, प्रत्यंग मुख जो विहार है उसके संयोग होने से प्रत्यंग मुखा वो कर्ता रो भवेयु, कर्ता भी प्रत्यंग मुखी हो जाएंगे, पश्चिम दिशा वाले ही हो जाएंगे, क्यों, विहार संयोगात विहारम परिवर्तमानम अनु वक्तारो अपि, तीक्ता की जगह प कर लीजिए, वक्तारो अपि, या तो यूं कहिए कर्तारो अपि विपरिवर्तन्ते, विहार के संयोग से, विहार के परिवर्तित होने से उस पर बैठे हुए जो, उसके अंदर बैठे हुए जो कर्ता है वो भी विपरिवर्तित हो जाते हैं, जैसे
यथा हस्तिनी अश्वे वा परिवर्तमाने तत्स्था प्राणिनोपि परिवर्तन्ते तद्वतत्रापि। जैसे हाथी या घोड़े के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हो और हाथी और घोड़ा यदि पश्चिम दिशा की तरफ मुख करे तो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति भी पश्चिम की दिशा की तरफ मुख वाला हो जाता है, वो भी ऐसा ही होता है। प्रत्यंचो अववृत्ते ने चरंती थी विहार परिवृत्तिम आपनुयात। ये जो प्रत्यंचो अववृत्ते ने चरंती, ये जो वचन है ये तो विहार की परिवृत्ति को प्राप्त कराता है, विहार के लिए विधान करता है। ये विधान तो केवल विहार के लिए ही कर रहा है, लेकिन तामनु कर्तारो अपि विपरिवर्तन्ते इति न तद विकारत्व विधिरिति। लेकिन उसके अनुसार कर्ता भी विपरिवर्तित हो जाते हैं, यानी पूर्व दिशा की तरफ मुख न होकर के पश्चिम की तरफ मुख हो जाता है, इसलिए उनका विकारत्व की विधि नहीं है। यहाँ पर कर्ता के विकार की विधि नहीं है, एक ही बस देश के विहार के विकार की विधि है, विधि रीति। पूर्ण विराम लगा लीजिए। आगे ये वचन दिया है, न प्राची वही द्विरूपत्वात् पितृयज्ञो ही भवती। न प्राची वही, प्राची दिशा नहीं, द्विरूपत्वात् दो रूप वाली होने से पितृयज्ञो ही भवती। न दक्षिणा यज्ञो अभ्युदेती, और दक्षिणा यज्ञ की तरफ भी नहीं होता है, तो अंतरो भयो भवती, उन दोनों के बीच में होता है। तो अत्र इज्यन्ते देवाश्च पितरश्च, यहाँ देवता और पितर इन ये यजन करते हैं, इनके लिए यजन होता है। इति इदम् अन्यार्थ दर्शनम् उक्त न्यायस्य दृढ़िम्नः कारणमिति। ये जो अन्यार्थ दर्शन है ये इस न्याय की पुष्ट करने में कारण है कि भूमि की दो के बीच में, यानी उसके देश को बदलने में, देश को बदलने में ही इसका मुख्य कथन है। देश को बदल रहा है, पुरुष की को बदलना तो उसके साथ साथ हो ही जाएगा। आगे एक विषय अब ये उठा रहे हैं कि होम में कुछ मंत्रों में स्वाहा सब पहले होता है, ऐसे तो स्वाहा बाद में होता है, कुछ में स्वाहा पहले होता है। उस संदर्भ में ये कह रहे हैं, होमे पुरस्तात् स्वाहाकारा अपि मंत्राः करणम्। क्या ऐसे मंत्र भी करण के रूप में स्वीकार हो जाते हैं जिसमें पहले स्वाहा हो? तो बोले वो भी स्वीकार हो जाते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है, नहीं अंत में स्वाहा होगा वही स्वीकार होते हैं। ये कहते हैं नहीं, पहले स्वाहा होता है वो भी स्वीकार हो जाते हैं। इसी की चर्चा है यहाँ पर। 33वां सूत्र, पृथ्वी स्वाहांतरिक्षाय स्वाहा इति। इसमें पृथ्वी स्वाहा, ये स्वाहा बाद में है, अंतरिक्षाय स्वाहा इति मंत्रांत आमनातः स्वाहाकारः अल्पविराम। तो मंत्र के अंत में स्वाहाकार कहा जाता है, यही नियम है। क्यों? प्रदानार्थत्वात् अल्पविराम, क्योंकि ये प्रदान के लिए होते हैं और अंत में ही प्रदान किया जाता है, अंत में ही स्वाहा शब्द बोला जाता है, इसलिए मंत्रांत होते हैं। तौ ह्यर्थौ श्रुत्या संयुज्येते। तो ये जो दोनों अर्थ हैं, दोनों के मतलब स्वाहाकार और प्रदानार्थत्व, ये दोनों श्रुति से जुड़ जाते हैं, इसलिए बाद में ही होना चाहिए। खोल रहे हैं आगे भाष्य में, मंत्रांतामनातः स्वाहाकारः प्रदानार्थो भवेत्। मंत्र के अंत में जो स्वाहाकार होता है, मंत्र के अंत में जो स्वाहाकार होता है वो प्रदानार्थ होता है, वो प्रदान के लिए माना जा सकता है। श्रुत्या प्रदानार्थता चोदिता चैति, और श्रुति के द्वारा स्वाहा की प्रदानार्थता कही जा चुकी है। कैसे? स्वाहाकारेण वषटकारेण वा देवेभ्यो अन्नम प्रदीयते। तो स्वाहाकार और वषटकार से देवताओं के लिए अन्न प्रदान किया जाता है, ये हो गया। इति प्रतिसूत्रम एतत् उत्तर विवक्षार्थम इति। इति प्राप्ति सूत्रम एतत् उत्तर विवक्षार्थम, आगे की विवक्षा के लिए ये केवल प्राप्ति का सूत्र है। सामान्यतः यही है कि स्वाहा बाद में होता है, प्रदान के लिए है, प्रदान बाद में किया जाता है तो स्वाहा भी बाद में बोला जाता है। तो 18वां अधिकरण है ये, इसी विषय में आगे कहते हैं। तो सिद्धांति कहते हैं, पुरस्तादपि मंत्राः श्रूयमाणः तदर्थः प्रदान संयोगात् अल्पविराम। यथा देहि ब्राह्मणाय ब्राह्मणाय देहि इति। तो बोले पहले भी मंत्र सुने जाते हैं जिसमें कि स्वाहाकार पहले होता है, तो वो भी प्रदान के संयोग से प्रदान के लिए ही होते हैं। उदाहरण लौकिक दिया, देहि ब्राह्मणाय और ब्राह्मणाय देहि, ब्राह्मण के लिए देव, देव ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण के लिए देव, प्रदान तो बाद में करते हैं, तो कैसे बोला जाना चाहिए? ब्राह्मणाय देही, देही और फिर उसमें प्रदान कर दिया, लेकिन देही ब्राह्मणाय ये भी कहा जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, स्वाहा वाचे स्वाहा वनस्पते। अब इसमें स्वाहा शब्द पहले है, वाचे स्वाहा नहीं कहा, अग्नये स्वाहा नहीं, स्वाहा अग्नये, स्वाहा वाचे स्वाहा वाचस्पते,
इति प्रोस्तान मंत्रै या मंत्रेभ्यः श्रूयमाणः स्वाहाकारो न प्रदानार्थः उत प्रदानार्थः इति। तो प्रश्न यही है कि ये जो पहले वाला स्वाहा है ये प्रदान के लिए नहीं है अथवा प्रदान के लिए है। किम प्राप्तम, तो वैदिकानां यथाम्नानं कार्य निष्पादकत्वमिति। जो वैदिक मंत्र हैं वो जैसे पढ़े गए हैं वैसे ही उनका कार्य संपादकत्व होता है, उनमें सामर्थ्य होती है कि वो कार्य को कर देते हैं चाहे कैसे भी पढ़े गए वो। ये सिद्धांत ही बोल रहा है गिरापद स्थाने इरापदवत विनियोग, जैसे कि गिराप की जगह पे इरा शब्द का प्रयोग बताया है तो बस ठीक है उसी से कार्य हो जाएगा। तद उभयम अपि, दोनों ही, दोनों का मतलब है कि यथास्थान हो अथवा पद बदल दिया हो, तो ये दो चीजें कही गई थी। तद उभयम अपि न पुरस्ताद वर्तिनी स्वाहाकारे, पुरस्ताद वर्तिनी स्वाहाकार में ये दोनों ही चीजें नहीं है। जैसे पढ़े गए हैं जहां उचित पढ़े गए तो तद उभयम अपि न पुरस्ताद वर्तिनी स्वाहाकारे, स्वाहा पूर्व में जो स्वाहा है उसमें ये दोनों ही चीजें नहीं है। तस्मात् न तस्य प्रदानार्थत्वम इति स्वस्थान च्युते है, तो इसका प्रदानार्थत्व नहीं है क्योंकि वो अपने स्थान से च्युत है। स्वमंत्रा नहीं, ये पूर्व पक्षी होना चाहिए। स्वमंत्रांते व्यवस्थितस्य स्वाहाकारस्य वशटकारस्य वा प्रदानार्थत्वं दृष्टम्, अपने मंत्र के अंत में स्थित जो स्वाहाकार और वशटकार है उसी से की प्रदानार्थता देखी गई है। न चात्र दृष्टम, लेकिन यहां मंत्रांत में इस मंत्र में यह नहीं देखी जाती है। तस्मात् न प्रदानार्थत्वम इति, इसलिए इसकी प्रदानार्थता नहीं, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। किम प्राप्तम में जो है ना वैदिकानाम यथाम्नानाम निष्पादकत्वम इति, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। किम प्राप्तम के बाद में पूर्व पक्षी बोल रहा है तस्मात् न प्रदानार्थत्वम इति। सत्यपि उदाहरण दे रहा है अब ये कि सत्यपि कर्णालंकार शब्दे कर्णदेशात् प्रच्युते कर्ण शोभाजनकत्वम न दृष्टम अल्प विराम तथे यहापि इति प्राप्ते ब्रूमा। बोले किसी में कर्णालंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है, कान का आभूषण है कर्णालंकार है, तो वो कर्णालंकार कर्ण देश से प्रच्युत हो चुका है, कान पे नहीं लगा हुआ है अभी, कहीं और गिरा हुआ रखा हुआ है अन्य जगह पे रखा हुआ है तो भी उसको कर्णालंकार कह देते हैं। तो शब्द भले ही कर्णालंकार हो लेकिन वो अभी कर्ण का की शोभा नहीं है। ऐसे ही भले ही यहां स्वाहा शब्द है प्रदानार्थ है लेकिन इसे प्रदान नहीं किया जाएगा, ये अन्य जगह पे स्थान च्युत है, स्थान भ्रष्ट हो चुका है ये, इसलिए प्रदानार्थता नहीं रहेगी भले ही वो शब्द हो और वही अर्थ हो। तो सत्यपि कर्णालंकार शब्दे कर्ण देशात प्रच्युते कर्ण शोभाजनकत्व न दृष्टम तथा इहापि इति प्राप्ते ब्रूमा। इस पे सिद्धांति अब ये कहता है, भूमिका इन्होंने पूर्व पक्षी की बनाई, सूत्र तो सिद्धांति का ही था। तो पुरस्तादपि मंत्र से हवि प्रदानार्थ एव स्वाहाकार, तो मंत्र के पहले भी यदि स्वाहाकार हो तो हवि प्रदानार्थ एव, हवि की प्रदान के लिए ही होगा। प्रदान ग्रहणे, प्रदान का ग्रहण करने पर स्वाहाकारेण वशटकारं वा देवेभ्यो अन्नं प्रदीयते इति, इसको विपरीत अल्पविराम लीजिए, स्वाहाकारेण वशटकारेण वा देवेभ्यो अन्नं प्रदीयते, ये ऊपर 33वें सूत्र में भी कहा गया था, इनकी प्रदानार्थता है इति। तो यत्र यत्र स्वेन कार्येण दृष्टेन अदिष्टम कार्यम अपास्य संपद्यते अल्पविराम। तो यत्र यत्र मतलब सर्वत्र, सब जगह, जहां जहां भी, यत्र यत्र मतलब अनेकत्र, यत्र यत्र स्वेन दृष्टेन कार्येण, अपने दृष्ट कार्य के द्वारा, दृष्टता दृष्ट कार्य क्या है, प्रदानार्थ, प्रक्षेप रूप ही दृष्ट प्रयोजन है यहां पर इन शब्दों का। तो दृष्टेन कार्येण अदृष्टम कार्यम अपास्य, अदृष्ट कार्य क्या होगा, अपूर्व की उत्पत्ति कहेगा कोई, तो अदृष्ट कार्य को हटा करके संपद्यते, वो संबद्ध होता है किससे, दृष्ट कार्य से संबंध होता है, स्वाहाकार दृष्ट अर्थ से संबद्धित होता है, जहां जहां पर होता है तो तत्र तत्र वहां वहां पर नहीं, तत्र तत्र संबद्धते, वहां वहां वो उससे संबद्ध हो जाता है। जैसे यथा देही इति अयम शब्दो, देही ब्राह्मणाय ब्राह्मणाय देही इति देशांतर संबद्धोपि अनुवदन अन्यम अर्थम न भजते एवं अत्रापि इति। तो देही ब्राह्मणाय ब्राह्मणाय देही, यहाँ पर देही जो है ये देशांतर को प्राप्त होता हुआ भी उसी बात को कहता हुआ अन्य अर्थ को प्राप्त नहीं होता है, वही अर्थ रहता है, ऐसे यहाँ पर भी समझना चाहिए।
35वां सूत्र आमनाया च, और इस ऐसा आमनाय होने से भी पढ़ा गया, होने से भी आमनायोपि एतम अर्थम, एतम दर्शयति, इसी अर्थ को कहता है, पुरस्तात् स्वाहा कृतयो वा अन्ये देवाः। कुछ देव ऐसे होते हैं जो पुरस्तात् स्वाहा कृति वाले होते हैं, पहले स्वाहा कृति होती है, उपरिष्टात् स्वाहा कृतयो अन्य, और कुछ देवता ऐसे होते हैं जिसमें बाद में स्वाहा कृति होती है, जैसे स्वाहा देवेभ्यो या देवेभ्य स्वाहा, ऐसे तो कुछ पुरस्तात् स्वाहा कृति वाले होते हैं और कुछ उपरिष्टात् स्वाहा कृति वाले होते हैं। इति निज देशस्यापि स्वाहाकारस्य प्रदानार्थत्वं दर्शयति, इसलिए स्वाहाकार की प्रदानार्थता निज देश में जहां पर वो है वहीं पर ही है, वहां पर भी वो उसकी प्रधानार्थता स्वीकार की जाएगी। अगला अधिकरण 19वां। हाँ आचार्य जी, इस विषय पर एक मुनीश्वरानंद जी का एक लेख आया था, उन्होंने कह दे कि स्वाहाकार जहां पर होगा वहां पर आहुति दे देंगे, बाकी मंत्र हम पढ़ लेंगे। उन्होंने एक सूत्र दिए थे, लिखा भी हूँ। हाँ। वो था सर्व प्रायश्चितानि जुहियात स्वाहाकार अंते मंत्रे न चेत मंत्रे पठिता हो। तो स्वाहाकार के मंत्र के अंत में स्वाहाकार नहीं है तो स्वाहाकार लगा करके मंत्र पाठ करे, तो उन्होंने अर्थापत्र निकाला था कि जिस मंत्र में स्वाहाकार है तो वहीं पर आहुति दे देंगे और बाकी मंत्र पढ़ लेंगे। हाँ, तो जिन मंत्रों में, इसका तो मतलब इतना ही हुआ ना कि जहां मंत्रों में स्वाहाकार नहीं है वहां स्वाहाकार लगा करके आहुति दे देंगे, और जिन मंत्रों में स्वाहाकार है अंत में तो वहां पर वहां अंत में आहुति दे देंगे, बीच में कहीं स्वाहा आए वहां आहुति दे, सीधे सीधे तो उसमें नहीं, लेकिन हाँ आहुति स्वाहा समय ये सिद्धांत चलता है। आहुति कब दी जाएगी? स्वाहा के समय, मंत्रांत में जब हम आहुति देते हैं उसी समय स्वाहा, स्वाहा के समय आहुति दी जानी चाहिए, एक सामान्य नियम ठीक है वो। हाँ, अनेक मंत्र में एक ही मंत्र के अंदर बहुत सारे स्वाहा शब्द आते हैं, उसको वो एक एक वाक्य मानते हैं ना, जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा ना पृथ्वी स्वाहा अंतरिक्षाय स्वाहा, ये सबको एक एक मानते हैं, अलग अलग एक एक में एक एक आहुति दी जाएगी, एक एक आहुति देते हैं। जो 17वां अधिकरण है ये खाली ऐसे ही रखा है, इसमें कौन सा अधिकरण? 17वां अधिकरण जो है ये 16वां अधिकरण है वास्तव में, तो ये पीछे 15वां अधिकरण था ना, तो ये संख्या में भेद है, फिर आगे 18वां और सब जगह संख्या बदलेगी, या तो ये वास्तव में तो 16 है, 16 कह लीजिए, 17वां लिखा हुआ है यहाँ पर, 17वां कह लीजिए। हाँ, इसका प्रयोजन क्या है? ये इन्होंने लिखा ना इति प्राप्ति सूत्रम एतद् उत्तर विवक्षार्थम इति, आगे केवल चर्चा के लिए यहाँ पर कह दिया, बाकी कोई अलग से इसमें कुछ निश्चय नहीं किया जा रहा है, ये तो पहले सिद्धि है बात। अब पीछे चूंकि आया स्वाहा शब्द से आहुति दी जाती है, और स्वाहा शब्द यदि मंत्र के पहले है तो भी होगा, तो अब एक स्थिति और आ रही है कि जहां स्वाहा शब्द तो है लेकिन उससे आहुति नहीं दी जाती, वो प्रधानार्थ नहीं है। सामान्यतया स्वाहा शब्द प्रधानार्थ होता है, लेकिन इसके अपवाद रूप में जो है कि देखो यहां पर यह स्वाहा शब्द प्रधानार्थ नहीं है, उसके लिए कारण भी बताएंगे। ये उदाहरण यहां पर दिया है, स्वाहा कृत्य ब्राह्मणा ते जुहोमी अल्प विराम, ये स्वाहा शब्द आया, एक बात हुई, एक वाक्य हुआ। दूसरा है स्वाहा कृतम इति प्रयतम जुहोमी अल्प विराम, ये दूसरा हो गया। तीसरा है स्वाहा कृतम इंद्राय ते जुहोमी अल्प विराम, तीसरा स्वाहा कृत पुनरप्येति देवान अल्प विराम इति एतेन व्याख्यातम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इन सब जगह भी हम इसी से समझ लेंगे कि यहां पर स्वाहा शब्द आया है और ये आहुति के लिए है, स्वाहा शब्द है ना, नहीं पूर्व पक्षी तो वैसे ही बोलेगा ना। अश्य देखिए एते भी स्वाहाकारा प्रधानार्था भवेयु अल्प विराम, ये जितने स्वाहाकार हैं ये भी फिर प्रधानार्थ हो, ये थोड़ा अति में जाके भी बोलता है पूर्व पक्षी, तो पहले ये कह रहा था ना कि अंत में जो स्वाहा होता है वो प्रधान के लिए होता है, अब सिद्धांती ने पहले वाले को भी बता दिया पूर्व में हो वो भी, तो कहते हैं इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि जहां जहां भी स्वाहा शब्द है वो प्रधानार्थ है, तो फिर तो यहां पर भी ये प्रधानार्थ होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। तो पूर्वेण न्यायेन रूप सामान्याद इति प्राप्ते ब्रूमः, इस पर अब सिद्धांती कह रहे हैं अप्रदानार्थ वा स्तुत्यर्थ श्रूयते, ये अप्रदान के लिए, प्रदान के लिए नहीं है,
ये केवल स्तुति के लिए यहां पर सुने गए हैं। अब प्रधानार्था एते स्वाहाकारः विशेषणत्वा, ये विशेषण युक्त होने से प्रधान के लिए नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण बता रहे हैं। विशेषणत्वात्, यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए, अप्रधानार्था एते स्वाहाकारः विशेषणत्वात्। आगे कह रहे हैं अंगीकृत निष्ठा प्रत्यार्थेन स्वाहाकारः द्रव्यार्थतया उपादीयन्ते इति द्रव्य स्तुति द्वारेण वाक्यार्थ समवाये सति स्वाहाकारस्य न प्रधानार्थत्वे प्रमाणम अस्ति। ये कहते हैं इसमें अंगीकृत निष्ठा प्रत्यय का अर्थ है, इनमें इनके सबके साथ में निष्ठा प्रत्यय स्वीकृत किया गया। अंगीकृत निष्ठा प्रत्यार्थेन, निष्ठा प्रत्यय के अर्थ को यहां पर अंगीकृत किया हुआ साथ में जोड़ा गया है। ऐसे जो ये स्वाहाकार है कि द्रव्यार्थतया उपादीयन्ते, ये द्रव्य के अर्थ के रूप में गृहित होंगे, क्रिया के रूप में नहीं, भाव के रूप में नहीं। कैसे ये निष्ठा प्रत्यय से हैं, शुरू में देखिए 19वें सूत्र को, स्वाहाकृत्यम ब्राह्मणाते जुहोमि। स्वाहाकृत्य निष्ठा प्रत्यय हो गया ना, तो आपको लेप किया नहीं है, निष्ठा तो नहीं है, लेकिन अंगीकृत निष्ठा प्रत्यय का अर्थ भूमा न्याय से है ये। देखो हालांकि ये तो आपको लेप किया हुआ है, लेकिन तक तक वतु निष्ठा दो ही होते हैं, लेकिन भूमा न्याय यहां पर लगाएंगे, दंडी न्याय। अधिकतर जो है वो निष्ठा प्रत्यायंत है, ये तो नहीं है निष्ठा व संज्ञा। अब या तो किसी व्याकरण में इनकी निष्ठा संज्ञा हो, पहले भी ये भी निष्ठा प्रत्यायंत हो, इसको भी निष्ठा संज्ञा वाला कहे, नहीं तो बहुत्व से कहेंगे। तो ये तो त्वा को लेप हुआ हुआ है। आगे है स्वाहाकृतम इति प्रयतम जुहोमि, ये स्वाहाकृतम एकता प्रत्यय हो गया निष्ठा, और स्वाहाकृतम इंद्राय ये फिर कृत हो गया, और स्वाहाकृतः यहां पर भी फिर कृत आ गया। तो ये सब निष्ठा प्रत्यय आते हैं। इसलिए तो जैसे ये कहा जाता है ना कि कृत अभिहित भाव द्रव्यवत हो जाता है, कृत प्रत्यय के द्वारा कहा गया जो भाव होता है वो द्रव्यवत भाव से, कृत अभिहित भाव द्रव्यवत भवती है, द्रव्यवत अवभासते, द्रव्यवत प्रतीत होता है। तो ये उसी दृष्टि से कह रहे हैं कि अंगीकृत निष्ठा प्रत्यार्थ है ना स्वाहाकारा द्रव्यार्थतया उपादीयन्त, ये द्रव्यार्थ की तरह से आ रहे हैं। अब यहां पर ये भाव यानी क्रिया यानी प्रधानत्व यहां पर नहीं है। इति द्रव्य स्तुति द्वारे ना, द्रव्य की स्तुति के द्वारा ये वाक्यार्थ संवाये सति, वाक्य के अर्थ में ये संवेद होता हुआ स्वाहाकार से न प्रधानार्थत्व प्रमाणमस्ति। ये जो स्वाहाकार है इसका प्रधानार्थता में प्रमाण नहीं है कि यहां स्वाहा शब्द आया तो ये प्रदान के लिए होगा, ये प्रमाण ही नहीं बनेगा यहां पर। तस्माद एवं जातीय का स्वाहाकारा न प्रधानार्था इति, इस प्रकार के जो स्वाहा होंगे वो प्रदान के लिए होंगे। ये केवल प्रशंसा के लिए है कि स्वाहाकृत्यम ब्राह्मणाते जुहोमि, हे ब्राह्मण तेरे लिए मैं स्वाहा कृत्य करके होम कर रहा हूं, स्वाहा बोल करके मैं तेरे को होम कर रहा हूं। तो ये प्रशंसा की जा रही है, मैं तो स्वाहा साथ में बोल रहा हूं, स्वाहा साथ में बोल रहा हूं, ये प्रशंसा के रूप में है केवल। अब इसी तरह वषट के बारे में चर्चा है कि वषट शब्द आया है, वैसे तो वो भी प्रधानार्थ ही होता है, लेकिन यहां पर वो प्रधानार्थ नहीं है। तो वषटते विष्णु इति, वषट शब्द न होमार्थ, वषटते विष्णु हो, ये एक वचन आया है, इसमें जो ये वषट शब्द है ये प्रधानार्थ नहीं है। सूत्र में जो कहा ना वषटते विष्णवास आकृणोमी, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, वषटते विष्णवास आकृणोमी बंद कर लीजिए, इति एतेन व्याख्यातम, यहां इसमें भी वैसे ही पूर्वाधिकरण से समझ लेना चाहिए। भाष्य वषटते विष्णवास आकृणोमी, इसमें आगे है तन्मे जुषस्व इत्यादि वहां पर अंश है, तो इति अत्रापि किम वषटकार है प्रधानार्थ उत न इति संदेह, अल्प विराम, ये प्रधानार्थ है या नहीं है संदेह है। एतेन व्याख्यातम अधिकरणाति देशः, अधिकरणाति देश करके इसकी भी व्याख्या कर दी गई। पूर्वाधिकरणे यौ पूर्वोत्तर पक्ष तौ अत्रापि इति, वहां पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष पूजल अधिकरण के समान होंगे। तो अब इसके अंदर एक बात है कि पिछले की अपेक्षा यहां पर ये वषट जो है वषटते विष्णवास आकृणोमी, वषट आकृणोमी ये जुड़ रहा है वहां पर। अब सिद्धांत ये कह रहा है नीचे कि सत्यपि देवता संबंधे, यद्यपि यहां देवता का संबंध है, देवता का संबंध है क्या विष्णवे,
विष्णु आस विष्णु आस विष्णु आस ऐसा करेंगे, वशट्टे विष्णु आस आक्रणोमी। तो यद्यपि देवता संबंधे देवता का संबंध है विष्णु देवता का, उसी को आगे खोल रहे हैं, वशट्टे आक्रणोमी इति करोति समन्वयो वशटकारस्य इति, वशटकार के साथ में आक्रणोमी का संबंध है, करोति का समवाय है आक्रणोमी। इसलिए अब ये प्रधान के लिए नहीं होगा, ये जो विष्णु है ये प्रक्रिय संज्ञा है, यहां पर विष्णु आस ऋग्वेद का मंत्र है 7:99। अब ये स्वाहाकार के लिए नहीं, ये मतलब प्रधानार्थ नहीं है। वशट्टे विष्णुवास आक्रणोमी, हे विष्णु आस, ये तो बैठने के अर्थ में है, वशट्टे आक्रणोमी तेरे लिए मैं वशट करता हूं, बोलता हूं बस। यहां स्वाहा करने के लिए यानी इसको बोलते हुए स्वाहा करने की बात नहीं है, ये तो केवल कथन कर रहा है कि मैं तेरे लिए स्वाहा करता हूं, या स्वाहा किया नहीं जा रहा है, मतलब वशट करता हूं तेरे लिए, लेकिन यहां प्रदान किया नहीं जा रहा है, इसे के प्रदान नहीं किया जाएगा, कि उसका उल्लेख है एक तरह से, वो अनुवाद है जो करता है उसको यहां पर कथन किया गया है केवल। आगे 21वां अधिकरण यह है, वनस्पति याग याज्ञायाम न देवतोपलक्षणम, वनस्पति याग की याज्ञा है उसमें देवता का उपलक्षण नहीं होगा, देवता का कथन नहीं होगा। तो ये 39वां सूत्र है, ये पूर्व पक्षी का है। सृष्टिकृत विकारे याज्ञायाम देवता निगमः स्युः प्रकृत्युपबन्धात्, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि सृष्टिकृत का विकार जो याज्ञ है, ये जो वनस्पति याग है ये सृष्टिकृत का विकार है, तो सृष्टिकृत के विकार की जो याज्ञ है उसमें देवता निगमः स्युः, देवता का निगम मतलब कथन वचन कथन होना चाहिए। क्यों? प्रकृति का उपबंध होने से, जैसे प्रकृति में देवता का संबंध होता है ऐसे यहां भी होना चाहिए। भाष्य में यही बात कही, सृष्टिकृत विकारे वनस्पतौ, सृष्टिकृत का जो विकार वनस्पति याग है उसमें, उसकी याज्ञा में, वनस्पतौ याज्ञायाम देवता निगमः स्युः न इति विचार्यते, देवता निगम होवे या न हो तो किम प्राप्तम, तो वनस्पतौ याज्ञायाम अविशेषेण देवतोपबन्धः, अविशेष रूप से देवता का उपबंध होना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है प्रकृतौ अपि दशपूर्ण मास सृष्टिकृति एवं उपलक्षिताः, तो प्रकृति यानी दशपूर्ण मास में जो सृष्टिकृत है वहां पर भी देवता उपलक्षित किए गए हैं, प्रकृतिवद अत्रापि भवेयुरिति प्राप्ते ब्रूमः, इस पर सिद्धांती आगे कहता है 40वां सूत्र। उपलक्षण प्रधानास्तु उपलक्षिताः पुनः प्रैषे, तो उपलक्षण प्रधान वाले होने से ये उपलक्षित किए जा चुके हैं प्रैष में, अब यहां पर इसको फिर से देवता को उपलक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं उपलक्षण प्रधान एव प्रैषे, प्रैष जो है वो उपलक्षण प्रधान था, वहां देवता का कथन हो चुका था, प्रैष में ही उपलक्षित कर दिए गए थे, तो उपलक्षितत्वात् न उपलक्षणांतरम अपेक्षन्ते, दूसरे उपलक्षण की फिर से देवता का कथन करने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। तस्माद् अर्थाभावात् न स्युरिति याज्ञानुपलक्षणम् याज्ञानुपलक्षणम्, तो इसलिए अर्थ का अभाव, प्रयोजन का अभाव होने से याज्ञा में इनका याज्ञानुपलक्षणम्, याज्ञा में अनुपलक्षण होगा, देवता का उपलक्षण नहीं होगा। दूसरे ढंग से व्याख्या करें, अन्य पुनरेशो अर्थः अन्यार्थम, अन्यार्थम को ही आगे खोल रहे हैं, प्रैष संयुक्तम पूर्वार्थम देवतोपलक्षणम अल्पविराम अन्य कार्य भेदात एते निगमायति, तो अन्यार्थम मतलब प्रैष संयुक्त जो पूर्व में प्रयोजन बताया गया है देवता का उपलक्षण का, तो यहां पर भिन्न कार्य का भेद होने से ये निगम होते हैं, वहां अलग है वहां पर हो जाता है, ये निगम कब होते हैं जहां भिन्न कार्य होगा, तो उसी कार्य में कर रहे हैं तो वही देवता चलेगा। सृष्टिकृतो याज्ञा एतेन व्याख्याता, सृष्टिकृत में जो याज्ञा है वो इस तरह से व्याख्या की गई है, प्रकृतेपि सृष्टिकृति याज्ञायाम, सृष्टिकृति याज्ञा को ही खोल रहे हैं, प्रकृतेपि सृष्टिकृति याज्ञा, प्रकृति में जो सृष्टिकृति याज्ञा है वहां भी देवतोपलक्षणस्य अन्यार्थत्वात्, वहां देवता के उपलक्षण की अन्यार्थता है। पूर्व पक्षी ने यह उदाहरण दिया था कि दशपूर्ण मास में जो सृष्टिकृत है वहां देवता उपलक्षित नहीं था, लेकिन फिर भी
दशपूर्ण मास का देवता वहां पर, या तो देवता मान करके उपलक्षित करके वो उसको किया गया। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि यहां पर भी सृष्टिकृत में यज्ञ में देवता के उपलक्षण की अन्यार्थता है, वहां सब प्रयोजन है इसलिए वहां पर देवता का उपलक्षण किया गया, लेकिन यहां नहीं होगा। तस्मात् प्रकृतौ अपि यज्ञायाम भेदः देवः, यज्ञायाम देवः, इसलिए प्रकृति में यज्ञ में देव होता है, यानी सृष्टिकृत में देव होता है या तो भिन्नता होती है, भिन्न भिन्न देवता होते हैं, लेकिन यहां पर वनस्पति याग की यज्ञ में देवता तो पहले उपलक्षित किया जा चुका है, उसको यहां उपलक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नया देवता नहीं होगा, यानी देवता का भेद नहीं होगा। आगे इसमें आगे एक वचन बताएंगे, चित्तम च चित्तिश्च आकूतम च आकूतिश्च। तो चित्तम च चित्तिश्च इत्यादि इस प्रकार के जो ये वाक्य हैं इनमें न चतुर्थ्या विपरिणाम, चतुर्थी का विपरिणाम नहीं होगा। चतुर्थी मतलब जिसमें संप्रदानत्व होता है तो वहां चतुर्थी आनी चाहिए, एक सामान्य नियम है, और इसका जब विनियोग करेंगे तो विपरिणाम करके, विभक्ति विपरिणाम करके करना चाहिए, एक सामान्य नियम था, लेकिन इसमें यहाँ सिद्धांति कहता है यहाँ विपरिणाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो 22वां अधिकरण है और ये 41वां सूत्र है। पूर्व पक्षी कहता है स्वाहेत्यालेखन प्रदान कर्मा चतुर्थी विभक्ते है। तो आलेखन, आलेखन ये किसी ऋषि का नाम है, आचार्य का नाम है। स्वाहा इति आलेखन, आलेखन जो आचार्य है वो ये कहते हैं कि जहां स्वाहा शब्द होगा तो प्रदान कर्मा होगा और वहां पर चतुर्थी विभक्ते है, चतुर्थी विभक्ति के होने से हेतु के दृष्टि से यहां पर कह रहे हैं। ये दशपूर्ण मास में प्रायश्चितार्थ ये वचन वहां पर मिलते हैं, दशपूर्ण मास में प्रायश्चित के संदर्भ में ये वाक्य मिलते हैं। वचन है चित्तम च चित्तिश्च आकुतम च आकुतिश्च इत्यादि समामनातम, ये वचन मिलता है। किम प्रथमांतम एव प्रयोग काले प्रयोक्तव्यम उत चतुर्थ्यंतम विपरिणमितव्यम। ये प्रथमांत है, चित्तम और चित्ती ही, आकुति और आकुतम, ये प्रथमांत हैं, तो इनका प्रयोग के समय में भी ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए अथवा चतुर्थी इसको बना करके करना चाहिए। कैसे? स्वाहा कारिण व वषटकारिण व देवेभ्यो अन्नम प्रदीयते। ये एक सामान्य सिद्धांत है कि स्वाहाकार से और वषटकार से देवताओं के लिए अन्न प्रदान किया जाता है। इति प्रदानार्थत्वात् स्वाहाकारस्य संप्रदाने चतुर्थी इति नियमो भवति इति चतुर्थ्यंतम विपरिणमयितव्यम इति। तो चूंकि इनकी प्रदानार्थता, स्वाहाकार की प्रदानार्थता है, तो इसलिए संप्रदान में चतुर्थी होती है, इस नियम से यहाँ पर चतुर्थ्यंत विपरिणमन करना चाहिए। अपिच स्मृति चतुर्थी में नियमति नियमयति, और स्मृति जो है वो भी चतुर्थी को ही नियमित करती है। अष्टादी का सूत्र दिया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशर योगाच्च इति। तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तस्मात् चतुर्थ्यंतस्य प्रयोगम आलेखनो मन्यते स्म इति। तो आलेखन नाम के आचार्य इनको इनकी चतुर्थ्यंतता मानते थे, विपरिणाम करना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहते हैं 42वें सूत्र में यथा समामनानम इति आश्मरथ्यः। आश्मरथ्य ये भी एक आचार्य थे, उनके मत को उद्धृत करते हुए कह रहा है कि यथा समामनानम जैसा पढ़ा हुआ है यानी प्रथमांत है वैसा ही रहेगा। प्रवचन लक्षणत्वात् मंत्राणा, मंत्रों के प्रवचन लक्षण वाला होने से बस उसको ऐसा बोलना है। यथा समामनानम एवं जातीयकम इति आश्मरथ्यो मन्यते स्म, जैसा पढ़ा है वैसा ही रहेगा इस प्रकार के वचनों में। दूसरी जगह बदलेगा उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, ऐसे वचनों में बदलता नहीं है, विभक्ति परिणाम नहीं होता है, ये वो मानते थे। कुतः प्रवचन लक्षणत्वात् मंत्राणाम, ये हेतु दिया, खोल रहे हैं इसको, समामनाय लक्षणो मंत्रः अल्पविराम। मंत्र जो है वो समामनाय लक्षण वाला होता है, जैसा पढ़ा गया है उसी लक्षण स्वरूप वाला होता है, इसी को खोल रहे हैं। ये यथा समामनायन्ते ते तथैव प्रयोक्तव्या इति, जैसे पढ़े गए हैं वैसे ही वो बोले, प्रयोग किए जाने चाहिए। और आगे कहते हैं विभक्त्यंतरित व्यत्ययोपि छंदसी दृष्टः बहुल वचना। दूसरा समाधान कर रहे हैं कि विभक्त्यंतरित व्यत्यय, भिन्न विभक्ति का आ जाना भी छंद में बहुल वचन से देखा जाता है। तो भले ही प्रथमा है, हमको चतुर्थी के अर्थ में प्रथमा भी आ जाती है, वो भी बहुल वचन से होता है, इसलिए विभक्ति पर परिणाम करने की आवश्यकता क्या है, जब हर विभक्ति का, किसी भी प्रत्यय का, कोई भी विभक्ति का अर्थ हम ले सकते हैं, तो विपरिणाम करने की क्या आवश्यकता है, इसी को करते हैं। अभी पीछे आहुति दे रहे थे वहां पर,
आदर्श नगर समाज में अजमेर में, तो जैसे आशीर्वाद देते हैं उस समय, सत्याः संतु यजमानस्य कामाः, तो सामान्यतया एक वचन है, एक है तो एक वचन करते हैं, और दो होते हैं तो हम कर देते हैं यजमानयो, या तो अनेक होते हैं तो यजमानानां कामाः, ये बदल करके करते हैं। तो वेदवागी जी वहां पर यही बोले, सत्याः संतु यजमानस्य कामाः, थे तो बहुत सारे, तो उसको बोलने के बाद में फिर वो बोले कि यहां जाति में एक वचन बोल रहा हूं, तो यजमान जाति उसके सत्याः संतु यजमानस्य कामाः, तो भले ही बहुत सारे हैं तो भी एक वचन रखते हुए भी उसी अर्थ को हम ले सकते हैं, जब उसका विकल्प है तो वैसा कर सकते हैं। ऐसे ही यहां विभक्ति विपरिणाम की आवश्यकता ही नहीं है, जब सभी विभक्तियां वित्तय से बहुलवचनात् आती ही हैं तो ठीक है, हो जाएगा, इसमें बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कम जानते हैं वो हमें गलत ना समझ लें, इसलिए हम विभक्ति विपरिणाम करके बोलेंगे फिर, कि कहीं ये मेरे को गलत ना समझ लें कि ये तो जानता ही नहीं है, इतना भी नहीं जानता है कि यहां बहुवचन है तो बहुवचन बोलना चाहिए। तो फिर इस डर से भी कई बार हम कोई चीज ऐसे करते हैं कि अनावश्यक इनके मन में उल्टी बात आएगी तो चलो इनके जैसा करते हैं, लेकिन ये अपने पक्ष में बात को रख रहे हैं कि बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो विभक्त्यंतरित व्यत्ययोपि छंदसी दृष्टा बहुल वचनात् तस्मात् यथा समामनानं प्रयोग इति। अगला अधिकरण, वैसे तो इन्होंने 22 ही लिख रखा है इसको, उसी में आगे सिद्धांति कह रहे हैं, या तो पीछे एक कम हो गया था ना, वो यहां आकर के बराबर हो जाएगा बदलते बदलते, वो पिछला 22 वाला तो 21वां होगा और ये 22 वाला 22 हो जाएगा। तो देखिए, चित्ताय स्वाहा चित्त्यै स्वाहेति एकेषां विकल्पो अल्पविराम विप्रतिषेधा। चित्त्यै या तो चित्तये, ऐसा कर ले, चित्तये, चित्ताय स्वाहा और चित्त्यै स्वाहा या चित्तये स्वाहा है? हाँ, चित्ते ही बनेगा ना, है, दोनों रूप बनते हैं ना, हाँ वही तो, चित्ते ही भी बन जाएगा और चित्तये भी बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे। तो चित्ताय स्वाहा चित्ते या चित्तये स्वाहा इति एकेषां विकल्पो, कुछ के मत में यहां पर विकल्प हो जाएगा, ये विभक्ति विपरिणाम किया है इन्होंने, क्यों, विप्रतिषेध होने से। खोल रहे भाष्य में, किम एतयोर मंत्र पाठयो शाखांतरीययोः समुच्चय आहोस्वित विकल्पायति। इस तरह के जो पाठ मिलते हैं तो इसमें जो भिन्न शाखाओं में मिलते हैं इनका समुच्चय होना चाहिए या इसमें विकल्प होना चाहिए? एक शाखा में एक वचनांत है, प्रथमा विभक्ति है, दूसरी शाखा में चतुर्थी अंत है, तो अब शाखांतरों का समन्वय करते हुए यहां पर समुच्चय करना चाहिए या तो विकल्प करना चाहिए? इति संदेह। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है समुच्चय इति, बोले हम तो समुच्चय कर देंगे इसका, दोनों को मिला देंगे। कैसे मिला देंगे? तो चित्तम च चित्ताय च स्वाहा, और क्या करेगा समुच्चय कैसे करेंगे? एक शाखा में चित्तम पढ़ा हुआ है प्रथमांत, एक में चतुर्थी अंत है, तो समुच्चय में मतलब क्या हुआ, दोनों को लेकर के पढ़ेगा, चित्तम च चित्ताय च स्वाहा, ऐसे समुच्चय करेंगे, और समुच्चय में क्या बनेगा है? इस स्वाहा तो एक ही बार बोलना है ना, चीज तो एक ही है, विभक्ति चूंकि अलग अलग शाखा में अलग अलग पढ़ी गई है इसलिए दोनों का समुच्चय करोगे तो क्या करोगे, यही तो करोगे, चित्तम च चित्ताय च स्वाहा, चित्तम स्वाहा चित्ताय स्वाहा, ऐसे नहीं बोलेंगे, दोनों को मिला करके बोलेगा, वो समुच्चय तो ऐसे ही होगा। तो पूर्व पक्षी कहता है समुच्चय कुतः, भाई कैसे समुच्चय कर रहे हो? तो पूर्व पक्षी का अपने हेतु है, विकल्पस्य अन्याय्यत्वात्, विकल्प तो अन्याय्य है, क्यों अन्याय्य है? क्योंकि उसमें अष्ट दोष होते हैं, आठ दोष होते हैं, इसलिए अन्याय्य है। आगे, मंत्रांतरतया समुच्चयोपपत्ते, मंत्रांतर की दृष्टि से इसमें समुच्चय की उत्पत्ति भी होती है, वो भिन्न मंत्र है, ये भिन्न मंत्र है, मिला करके बोल देंगे। इति प्राप्ते, इस पर सिद्धांति कहता है,
ये न कर्मणा ईत से तत्र जयान जुहुयात, तो ये न कर्मणा ईत से, ईत से मतलब वृद्धिम इच्छेत, तत्र जयान जुहुयात ये पीछे वचन आया है। इति अनुपात संख्यानाम होमानाम मंत्राणाम प्रत्यय मात्र भेदात एकार्थत्वात् अल्प विराम। तो ये जो इन ये जो होम है इसमें अनुपात संख्या वाले हैं, निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, इन होमों के मंत्रों के प्रत्यय मात्र के भेद होने पर भी एक अर्थता है। असति समुच्चय विकल्प एव इति, और समुच्चय नहीं होगा तो विकल्प ही होना चाहिए, समुच्चय कर नहीं सकते तो विकल्प ही होगा। अथवा अस्य विकल्पो विप्रतिषेधादिति, इसका विकल्प होना चाहिए विप्रतिषेधात्। ये इस तरह से कह रहे हैं कि जो सूत्र में विकल्प लिखा हुआ है ना, सूत्र को देखो, चित्ताय स्वाहा चित्त्यै स्वाहेति एकेषां विकल्पो, या तो ऐसे विकल्प को करो, अथवा विकल्प शब्द को विकल्पो विप्रतिषेधात्, विकल्प शब्द को विप्रतिषेध के साथ जोड़कर, विप्रतिषेध होने से विकल्प है। पहले वाले में क्या है, इति एकेषां विकल्पो, एक के मत में विकल्प है, हेतु क्या है, विप्रतिषेध होने से। दूसरे कहने इति एकेषां विकल्पो विप्रतिषेध, विकल्प किस लिए है, विप्रतिषेध, विप्रतिषेध को विकल्प के कारण से, एक तो है एकेषां के कथन से विकल्प हो रहा है, एक है विप्रतिषेध के कारण से विकल्प हो रहा है। तो विकल्प को दोनों तरफ जोड़ करके ये दूसरी व्याख्या करें, अथवा अस्य विकल्पो विप्रतिषेधादि थी, विकल्प को विप्रतिषेध के कारण विकल्प कह रहे हैं, उसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। स एषे प्रथमा चतुर्थ्यो हो स्वार्थ प्रत्ययत्वे सत्यपि, प्रथमा और चतुर्थी इन दोनों के स्वार्थ, इन दोनों का स्वार्थ प्रत्ययत्व होते हुए भी, यानी अपने अपने अर्थ को बताने वाला प्रत्ययत्व है, प्रत्ययत्व तो दोनों में है, दोनों प्रत्यय हैं, और अपने अपने अर्थ को बताने वाला प्रत्ययत्व है, यानी भिन्न भिन्न अर्थ को बताने वाला प्रत्ययत्व है। तो इन प्रथमा और चतुर्थी के स्वार्थ प्रत्ययत्व होने पर भी प्रातिपदिकोच्चारणयो समुच्चय विप्रतिषेधात् विकल्प प्रयोगे स्यात्। लेकिन फिर भी प्रातिपदिक के उच्चारण की दृष्टि से, प्रातिपदिक का उच्चारण यानी बिना प्रत्यय के प्रातिपदिक का उच्चारण होगा नहीं, इस रूप में समुच्चय के विप्रतिषेध होने से, इसमें समुच्चय नहीं हो सकता है। जब इन दोनों प्रत्ययों को प्रातिपदिक के उच्चारणार्थ मानेंगे तो एकार्थता हो जाएगी, और एकार्थता होगी तो विकल्प आएगा, यानी एकार्थता होने पर समुच्चय का विप्रतिषेध होगा, समुच्चय विपरीत पड़ेगा। भिन्नार्थता होगी तो समुच्चय हो सकता है, और जब यानी अब प्रत्यय का अर्थ कहेंगे तब तो अनेकार्थता है, तो अब समुच्चय नहीं, वहां तब समुच्चय हो सकता है। प्रत्यार्थता हो तो अनेकार्थता होने से, दोनों के अलग अलग अर्थ होने से समुच्चय हो सकता है, लेकिन प्रातिपदिक के उच्चारण मात्र के लिए जब प्रयोजन होगा तो समानार्थता होने से समुच्चय का विप्रतिषेध होगा, ऐसे में आप समुच्चय नहीं कर सकते, विकल्प प्रयोग है स्यात्, इसलिए विकल्प ही होना चाहिए, विप्रतिषेध होने से विकल्प होना चाहिए, यानी समानार्थता होने से। आगे देवी अधिकरण, तो अग्निचयन के संदर्भ में ये विषय उठा रहे हैं कि अग्निचयन में भूतेष्ट को पाधानम प्राकरणिक मंत्र ही रेवा, भूतेष्ट का उपधान करना, उनको रखना जो किया जाता है उसमें जो प्राकरणिक मंत्र है, उस प्रकरण में जो मंत्र पढ़े गए हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, ये सिद्धांती का पक्ष है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, उनका नहीं करना चाहिए, जिनमें भूतेष्ट का या भूत आदि शब्द हैं ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है शब्द के साम्य की दृष्टि से। सिद्धांती कह रहा है जो प्रकरण में है उन्हीं का ही प्रयोग करना चाहिए, वो चर्चा यहां पर की गई है। तो 23वां अधिकरण है 44वां सूत्र पूर्व पक्षी का, भूतानाम अवेष्टि भी इष्ट का उपदध्यात् अल्पविराम अर्थवाद सामान्यात्। तो भूतानाम अवेष्टि भी ही इष्ट का, अवेष्टि मंत्रों के द्वारा इष्टकाओं का, अवेष्टि के द्वारा इष्टकाओं का उपदध्यात् उनका उपधान करना चाहिए, अर्थवाद की समानता होने से, प्रशंसा दोनों की है वहां पर। भूतेष्ट मानी शब्दों की समानता है, भूतेष्ट का उपदधाती, भूतेष्ट काओं को रखता है, ये जो है इसमें अब आगे वचन है तो वहां विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अत्रात्र वही मृत्युर जायते अल्प विराम, यत्र यत्र वही मृत्युर जायते तत्र एव एनम अवयजति इति, म के बाद में वह जोड़ दीजिए अवयजति इति,
यत्र यत्र वही मृत्युर जायते तत्र जायते तथा एव तथा एव एनम अवयजति इति, ये बंद कर लीजिए। यानी यहां यहां मृत्यु होती है और जहां जहां मृत्यु होती है वहां इनके द्वारा ही अवयजन किया जाता है। तथा तत्र संदेह, इसमें संदेह, किम राजसूय समधिगतई ही, राजसूय में जो प्राप्त हो रही हैं उन 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 मंत्रों से, कौन से मंत्रों से, उन ऋचाओं से, कौन से हैं, तो आगे विपरीत अल्पिराम में लीजिए, पृथिव्यई स्वाहे इत्यादि भी, पृथिव्यई स्वाहा इत्यादि जो मंत्र हैं उनके द्वारा भूतानाम अवेष्टि मंत्री ही इष्टका उपधातव्यः, तो भूतों के अवेष्टिक मंत्रों के द्वारा ईटों को रखना चाहिए। ये पृथ्वी आदि ये वहां पर पढ़े गए हैं, भूत है पृथ्वी भी एक भूत है, वो नाम वहां पढ़ा गया है, इसलिए भूतेष्टकाओं को उपधातव्य। आहुस्वित अथवा प्राकरणी कही ब्राह्मण विहित ही पृथिव्यसी जन्मना, ये बस एक मंत्र है, इत्यादि भी रूपधानम कर्तव्यम। तो प्राकरणी कही मतलब अग्नि चयन के प्रकरण में ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा विहित जो मंत्र हैं, ये पृथिव्यसी जन्मना इत्यादि मंत्र हैं, इनके द्वारा उपधान करना चाहिए, ये यहाँ पर प्रश्न है, संदेह। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है राजसूय समधि गतई रीति, राजसूय में जो शब्द ये पढ़े गए हैं, यानी जहां पर पृथ्वी आदि शब्द भूतों के शब्द पढ़े गए उन मंत्रों को लेके करना चाहिए। कुतः, तो हेतु जो सूत्र में दिया था वो यहाँ लिख रहे हैं, अर्थवाद सामान्यात, उसको आगे कर रहे हैं, भूतानाम अवेष्टि भी रीति, ये भूतानाम अवेष्टि भी रीति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। तो तुल्य शब्दत्वाच्च, समान शब्द होने से, तुल्यश्च उभयत्र भूत शब्द, भूत शब्द दोनों जगह समान है, भूतानाम अवेष्टय भूतेष्टकाय रीति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, भूतानाम अवेष्टय भूतेष्टका, भूतों की जो अवेष्टि है वो भूतेष्टक कहलाती है, भूतेष्टकाय रीति। तो तुल्यत्वम एवं अर्थवत्वम आसादयेत, तो ऐसा करने पे तुल्य ही अर्थवत्ता को प्राप्त होवे, यानी जो कर्म किया जा रहा है वो ही वहां पर मंत्र में भी होगा, इसको श्रेष्ठता प्रशंसा कहा जाता है कि जो कर्म किया जा रहा है उसी को मंत्र जब कहता है तो ये उसकी प्रशंसा कहलाती है, वो अच्छा विनियोग कहलाता है। तो तुल्यत्वम एवं अर्थवत्वम आसादयेत, कब, यदि राजसूय प्रकरण समधिगता भी प्रतीयेरन, राजसूय के प्रकरण में पढ़े हुए इन मंत्रों को यदि वहां पर बोलेगा, प्रयोग करेगा, प्रतीयेरन अल्पविराम, इति प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा पूर्व पक्षी के कहने पर अब सिद्धांती कह रहा है। 45वां सूत्र, अग्नौ वा ये अब्राह्मणा मंत्राः तद व्याख्यातम्, तो जो अब्राह्मण मंत्र हैं, जो ब्राह्मण के द्वारा नहीं कहे गए उनके द्वारा, अग्नि के विषय में, चयन के विषय में ये मंत्र समामनाये पठिताः मंत्रा, मंत्र समामनाये में जो मंत्र पढ़े गए हैं, ते अब्राह्मणः, अब्राह्मणः को आगे खोल रहे हैं, अविद्यमान ब्राह्मण विनियोगा इति अर्थः, यानी ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा जिसका विनियोग विद्यमान नहीं है, कहा नहीं गया है उनका, तो प्रकरणात् प्राकरणी गई, प्रकरण से यहाँ पर पृथिव्यसी जन्मना च साकृना गर्भम आधत्ताम सा मया संभवेत, ये जो पीछे मंत्र था पृथिव्यसी जन्मना, इसी को मंत्र को इन्होंने आगे बढ़ा करके पूरा आगे और लिख दिया है, इत्यवादि भी एव उपधानम कर्तव्यम भूतेष्टका नाम, भूतेष्टकाओं का इत्यादि मंत्रों से ही उपधान करना चाहिए। तदुक्तम, जैसा कि पहले कहा गया है, तदाख्यम वा प्रकरणोपपत्तिभ्यामिति, तदाख्यो है वहां पर, ये 3.2.21 है मीमांसा का, 3.2.21, तो तदाख्यो वा प्रकरण उपपत्तिभ्याम, प्रकरण से और उपपत्ति युक्ति से ये किया जाता है। यत पुनर अर्थवाद सामान्यादिति तत्रोच्यते, पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई जो मैंने अर्थवाद सामान्यत हेतु दिया था, आपने जो ये हेतु दिया था उसके विषय में अब सिद्धांती उसको बता रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। नानार्थयो अर्थवाद सामान्यम अल्पविराम यथा क्रतुषु पृथक्तम, तो भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले होने पर भी अर्थवाद की समानता होती है, यथा क्रतुषु पृथक्तम, जैसे क्रतुओं में पृथक पृथक क्रतु होते हुए भी अर्थवाद की समानता है। पूर्व पक्षी क्या ले रहा था, अर्थवाद की समानता है इसलिए इसको यहां पर करना चाहिए, यानी ये एक ही कर्म के हैं, उसी कर्म से जुड़े हुए। सिद्धांत ये कह रहा है कि कर्म भिन्न होते हुए भी अर्थवाद की समानता तो हो सकती है, इसलिए अर्थवाद की समानता ये हेतु नहीं बनता कि ये दोनों जुड़े हुए हैं या एक ही हैं,
इतने मात्र से एकत्व नहीं स्थापित किया जा सकता। तो ये इसका व्यभिचार दिखा रहा है। तो नानार्थयो अर्थवाद सामान्यम यथा क्रतुषु पृथक्तम भाष्य पृथक भूतयोरेव तदर्थ सादृश्यम, अलग अलग होते हुए भी उसके अर्थ की सदृशता देखी जाती है। कैसे? यथा क्रतु पृथक्त्वे अर्थवाद सादृश्यम, क्रतु के यागों के पृथक्त्व होते हुए भी अर्थवाद की समानता है। इसके लिए अब ये उदाहरण दिया है इसने, सिद्धांतिका है ये, सिद्धांति सूत्र भी सिद्धांतिका है, भाष्य भी पूरा सिद्धांतिका ही है। आगे जो पूर्ण विराम के बाद है उसको अल्प विपरीत अल्प विराम में लीजिए, उत्सन्न यज्ञो वा एष यदग्नि, बंद कर लीजिए, इति उत्सन्न यज्ञो वा एष यदग्नि। अब इति के बाद में फिर विपरीत अल्प विराम लीजिए, उत्सन्न यज्ञो वा एष यदग्नि होत्रम, बंद कर लीजिए, इति च। तो जो अग्नि और अग्निहोत्र ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो उत्सन्न यज्ञो वा एष यदग्नि, उत्सन्न यज्ञ ये जो विशेषण है, ये जो अर्थवाद है, ये दो अलग अलग चीजों के लिए कहा जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों एक ही है। तो उत्सन्न यज्ञो यानी नष्ट यानी समाप्त वाले, उत्सन्न मतलब समाप्ति के लिए कहते हैं, नष्ट या तो समाप्त। ये जो अग्नि है, ये जो चिति है, ये उत्सन्न यज्ञ वाला है। दूसरा उत्सन्न यज्ञो वा एष यदग्निहोत्रम, ये जो अग्निहोत्र है ये उत्सन्न यज्ञ वाला है। तो ये जो उत्सन्न यज्ञ शब्द है, समानता को देख करके हम अग्नि यानी चिति और अग्निहोत्र को एक नहीं कह सकते, समानता नहीं कह सकते। तो अर्थवाद भेद में भी हो सकता है। आगे एतेन तुल्य शब्दत्वं व्याख्यातम, तो तुल्य शब्द की भी व्याख्या ऐसे ही समझ लेनी चाहिए, समान शब्द होने पर, एक ही शब्द एक साथ। तुल्य शब्दाभिधेयत्वं नाना भूतयोरपि दृष्टत्वं, भिन्न भिन्न होते हुए भी तुल्य शब्द था, यानी एक ही शब्द, एक ही शब्द एक ही बार में। पीछे जो कहा उदाहरण दिया था उसमें तो उत्सन्न यज्ञ दो अलग अलग वाक्यों में कहे गए थे, तो वहां तो चलो फिर भी क्या अलग अलग है, लेकिन एक ही वाक्य में एक ही शब्द है और वो दोनों पे लग रहा है तो भी एकता नहीं है, तो भी अलग अलग है। अलग अलग होते हुए भी एक ही शब्द एक ही वाक्य में हो सकता है, उसका उदाहरण यहां दिया। यथा कुंड पाए जुहोतो अग्निहोत्रे च, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, कुंड पाए जुहोतौ अग्निहोत्रे च। अब ये जो जुहोतौ शब्द है ये तुल्य शब्द है दोनों के लिए, कुंडपाई का भी है और अग्निहोत्र के लिए भी, जबकि ये अलग अलग कर्म है। इसलिए जो अर्थवाद का कथन है उससे एकत्व सिद्ध होता हो ऐसा नहीं है। अगला अधिकरण 24वां। अब इसमें जो अग्नि चयन है उसके संदर्भ में है, अग्नि चयने भूतेष्टका नाम उपधानम, भूतेष्टकों का जो उपधान होता है वो राजसूयगत मंत्र ही रेव इति पक्षे। जब ये मानेंगे कि राजसूय में पढ़े हुए मंत्रों से ही होता है, पिछले अधिकरण में उसका खंडन कर चुके हैं पीछे कि राजसूयांतर्गत मंत्रों से होगा अथवा अन्य मंत्रों से होगा, प्रकरणगत से, उसने कहा था प्रकरणगत से होगा यानी राजसूयांतर्गत मंत्रों से नहीं होगा, ये निषेध हो चुका है, लेकिन फिर भी यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो यह है कृत्वा चिंता कि जिस पक्ष में राजसूय गत मंत्रों का प्रयोग होगा वहां अब विकल्प उठा करके कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं अग्नि चयने भूतेष्ट का नाम उपधानम राजसूय गत मंत्र ही रेव इति पक्षे। जब राजसूय गत मंत्रों से ही होगा इस पक्ष को मानेंगे तो यथा आमनात ही रेव स्वाहा कारांत ही कर्तव्यम, जैसा पढ़ा गया है वैसा ही स्वाहा कारांत से उसको करना चाहिए। तो 48वां सूत्र है, तो इसमें कहते हैं मंत्रागमे सस्वाहाकार प्रतीयेत वाक्य संयोगात, मंत्र का जब प्रयोग करेंगे तो स्वाहाकार सहित उसका प्रयोग करना होगा। प्रश्न ये उठा कि राजसूय अंतर्गत मंत्रों को आपने ले तो लिया और वो स्वाहाकारांत है, उनके अंत में स्वाहा पढ़ा हुआ है, और स्वाहा वहां होता है जहां प्रधानार्थता होती है, जबकि यहां पर आप अग्नि का उपधान कर इष्टका का उपधान कर रहे हो केवल चयन में, तो वहां स्वाहाकारता तो यानी प्रधानार्थता तो है नहीं, तो अब उस स्वाहा शब्द को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये यहां पर प्रश्न बनेगा। तो ये कहता है कि मंत्रागमे, मंत्र का जब आगम हो रहा है उसका प्रयोग करें तो सस्वाहाकार प्रतीयत, स्वाहाकार के सहित ही वहां पर बोलना चाहिए, हेतु है वाक्य संयोगा, क्योंकि वो स्वाहा शब्द उसी मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसका वाक्य का अंश है। भाष्य भूतानाम अवेष्टि मंत्र ही केवल ही एव उपधानम कर्तव्यम उत स्वाहाकारेण आई थी, कि भूतेष्टकों में जब हम ये लेंगे राजसूयगत वाले,
तो केवल मंत्रों से उपदान करना चाहिए अथवा स्वाहाकार के सहित से करना चाहिए। तो किम प्राप्तम स्वाहाकारी इति, इस स्वाहाकार मतलब सस्वाहाकार, स्वाहाकार सहित ये अर्थ में ही है जैसा कि सूत्र के अंदर कहा गया। कुतः वाक्यावयवत्वात्, वाक्य का अवयव होने से। वाक्यावयवत्वात् ये वाक्य संयोगात जो सूत्र में लिखा हुआ है उसी को खोल रहे हैं कि वाक्यिक देशत्वात् स्वाहाकारस्य अल्पविराम, स्वाहाकार का वाक्य का एक देश होने से, मंत्र का एक देश होने से। मंत्रेषु प्राप्तेषु तदेक देश भूता स्वाहाकारा कथम न प्राप्तयुः, तो जो एक देश भूत स्वाहाकार है वो क्यों नहीं प्राप्त होंगे। इति प्राप्ते ब्रूम, इसके प्राप्त होने पर आगे कहते हैं। यहां पर सिद्धांत ही लिखा है, इसको पूर्व पक्षी प्रथम के रूप में देखा जा सकता है। अब आगे जो अगला सूत्र है वो पूर्व पक्षी द्वितीय है, जबकि यहां शीर्षक जो है, शीर्षक वो ऐसा है जैसे कि ये सिद्धांति का ही सूत्र है 48वां, लेकिन फिर भी यहां पर प्राप्त कथम न प्राप्नुयुर इति प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा जो कथन किया इति प्राप्ते ब्रूमा, इससे यूं लगता है जैसे कि ऊपर का पूर्व पक्षी का है। तो ये 49वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। अस्वाहाकारा वा अल्प विराम प्रदानार्थ स्वाहाकारेभ्य, तो बिना स्वाहाकार के होने चाहिए क्योंकि स्वाहाकारों की प्रदानार्थता है। पुनरेशो अर्थ अस्वाहाकार प्रतीयेरन, ये जो है ये अर्थ जो है अस्वाहाकार प्रतीत होने चाहिए। प्रदानार्थ, ये जो न लिखा है कोष्टक में इसको हटा लीजिए, अनावश्यक है। प्रदानार्थो ही तत्र स्वाहाकार न च उपधानम प्रदानम, ये जो स्वाहाकार है ये तो प्रदानार्थ है, और न च उपधानम प्रदानम, ये जो उपधान है ये प्रदान तो है नहीं, रखना है केवल। अस्वाहाकारास्तु उपधाने प्रत्येतव्या, इसलिए उपधान में ये मंत्र बिना स्वाहाकार के होने चाहिए। कुतः प्रदानार्था ही तत्र स्वाहाकारा प्रतीयेरन, वही बात हो गई, तेन न प्रदानार्थ स्वाहाकारा एव मंत्रा प्राप्नुयुरिति, तो स्वाहाकार हैं ये, प्रदानार्थ न होने से उसके बिना ही यहां पर प्राप्त होंगे। आगे स्थितम तावद अपर्यवसितम, अब ये चर्चा चली रही है, समाप्त नहीं हुई है, इसमें प्रकरणांतर प्रारंभ कर रहे हैं। अंतरा चिंत्यते, दूसरी बात को कर रहे हैं 25वां अधिकरण। तो ये प्रसंग, ये जो है अनुवाक्याओं के संदर्भ में है, अनुवाक्याओं में प्रैशस्योद्धार कृतुग्रहेशु, कृतुग्रहों में प्रैश का उद्धार होगा। पूर्व पक्षी का सूत्र है 50वां, प्रप्रैषेण यजति इत्येतेन व्याख्यातम, तो पिछले के आधार पर ही ये यहीं पर इस बात को करा है कि प्रदानार्थत्वाद वषटकारस्य वषटकारेणैव प्रदातुम प्रदानम ऋतु ग्रहेषु इति प्राप्ते ब्रूमः, क्योंकि वषटकार भी प्रदान के लिए है, तो वषटकार से ही प्रदान ऋतु ग्रहों में वषटकार से ही प्रदान होना चाहिए, प्राप्त होने पर कहते हैं। यथा अस्वाहाकारेण उपधानम, जैसे बिना स्वाहाकार के उपधान किया जाता है, ये मान करके बोल रहा है अभी, स्वाहाकार को हटा करके बोला जाएगा, तो यथा अस्वाहाकारेण उपधानम एवं होता यक्षत होतर यज, होता यक्षत को इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए और होतर यज इसको भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए। होता यक्षत ये मंत्रारंभ में आएगा और होतर यज ये मंत्रांत में आएगा, मंत्र के अंत में आएगा। तो इत्येतो वर्जयित्वा, इन दो को छोड़ करके अन्य ही केवल रेव कर्तुः प्रैषयि इत्यापि, तो इन दोनों को छोड़ करके अन्य ही केवल बीच का जो भाग है मंत्र का, उन्हीं के द्वारा कर्ता का प्रैष होगा और इज्जा भी होगी कृतु यागों में। उसके अनुसार यहां पर भी कह दिया इन्होंने, अस्वाहाकार है तो यहां पर भी, क्योंकि होता यक्षत और होता यज इसकी सार्थकता नहीं है, इसलिए इसके बिना ही मंत्र बोला जाएगा, ऐसा इसका कहना है। तो स्थितात उत्तरम, अब सिद्धांति कहता है, स्यादवा इष्टकासु स्वाहाकारो अल्पविराम यथा मुष्टि करने, तो यद्यपि 48वें सूत्र में भी वही कहा था ना, मंत्रागमे सस्वाहाकार प्रतीयता, उसी बात को यहां कह रहा है, तो उसको सिद्धांति का भी माना जा सकता है। तो लेकिन सिद्धांति का मान के फिर पूर्व पक्षी ने खंडन किया और फिर खंडन करके उसके अनुसार एक अधिकरण और बीच में डाल दिया। अब अंत में सिद्धांति कहता है, तो अवेष्ट के यथा अंते
मंत्राम नान सामर्थ्यात, अवेष्ट के में जैसे मंत्र के अंत में मंत्रों में जैसा पढ़ा गया है उसके सामर्थ्य से, मंत्रे समामनातः स्वाहाकार, स्वाहाकार मंत्र के अंत में पढ़ा गया है, मंत्रावयवत्वाद अव्यवीनी मंत्रे प्राप्नोति एव इति, और मंत्र का अवयव होने से अव्यवी मंत्र में उसकी प्राप्ति होते ही है। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया, यथा अप्रदान मुष्टि करणे मंत्र समामनानात, तो जिसमें प्रदान नहीं किया जाता है वहां पर भी मुष्टिकरण होता है, जैसे मुष्टिकरण है यूं मुष्टि लेकर के ये क्या ये रखते हैं प्रदान के लिए अवदान के लिए, तो अप्रदान मुष्टिकरण प्रदान नहीं है ऐसा जो मुष्टिकरण केवल मुट्ठी को बांधते हैं, मंत्र समामनानात वहां पर मंत्र के पढ़े जाने से स्वाहाकार एवं इदम अपीति, स्वाहाकार भी है वो ऐसा ही यहां पर समझना चाहिए। अब इसमें आगे जो है वो त्रुटित पाठ है, टूटा हुआ लिखा हुआ है, बस मिलता नहीं है, पूरा भी नहीं हो पाया। ननु मंत्रे अनवधानम किंतु प्राकरणी कही रेव कथम उक्तम, प्राकरणी कही रेव उसके बाद क्या छूटा हुआ है पता नहीं है, कथम उक्तम, तो वो पूर्व पक्षी कह रहा है ये ननु मंत्रे अनवधानम, मंत्र में अनवधान होगा, दोष आएगा एक तरह से, किंतु प्राकरणी कही रेव कथम उक्तम। इस पर सिद्धांति कहता है सत्यम एवं कृत्वा चिंतेयम, बात ठीक है लेकिन ये तो कृत्वा चिंता है, बात ही नहीं थी कि उनको राजसूय वाले उनको लिया जाए, स्वाहा है ही नहीं वहां पर, ये तो कृत्वा चिंता है। कृत्वा चिंतेयम तदेतेन तत्कथमिति, अब ये भी प्रश्नवाचक है कि यहाँ क्या चीज होगी, जो भी है बस इतना ही है, यहाँ पर इतना ही रखते हैं आज, प्रणव ध्वनि ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम द्योशान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।